दीपक भाई शुरू करें। आज दिन है 27 जुलाई 2022 और ये दीपन पाचन चूर्ण और अलाव तेल का जो व्याख्यान था वैद्य जी का, उसका दूसरा भाग है जिसमें अलाव तेल के बारे में बताएंगे वैद्य जी। तो भैया आप, दीपक भाई आप शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। तो आज का विषय अलाव तेल है जिसके विषय में वैद्य जी आज बताएंगे। यह नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, शायद आप सभी भी इस तेल के बारे में इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे। हो सकता है कोई वैद्य होंगे इसमें तो सुना होगा उन आपने, लेकिन ज्यादातर हम सभी के लिए यह तेल नया है और पहली बार यह नाम सुन रहे हैं। शायद किसी बंधु ने प्रश्न किए थे कि अलाव तेल के घटक बताएं, उसे कैसे बनाया जाता है, उनका क्या प्रयोग है। तो कल का विषय दीपन पाचन चूर्ण था जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और उनके उपयोग और उनके घटक को देखा होगा। तो आज अलाव तेल के विषय पे चर्चा होगी जिसके जिस तेल के बारे में जान करके हम सभी उसका लाभ लेंगे और आगे हम बनाएंगे भी, और हमारे नजदीक में कोई वैद्य होंगे उन वैद्य को भी हम बताएंगे अलाव तेल आप बनाए, हम उनसे लेंगे। ऐसा आप सभी कह के उस वैद्य को रोजगार भी दे सकते हैं जिससे हमारा आयुर्वेद बचेगा। जब तक कि वैद्य को सही रोजगार ना मिले, उसको उसके पास कोई सज्जन जो भी रोगी है उनके पास ना जाए, तो फिर कैसे वैद्य बचेंगे। और वैद्य के ही माध्यम से आयुर्वेद का विकास हो सकता है, वैद्य के माध्यम से ही आयुर्वेद का उत्थान होगा, ये सत्य है। इसीलिए हमें वैद्य को बचाना और वैद्य का बनाना है। तो वैद्य निर्माण क्रांति और चिकित्सा क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। तो इस सत्र में सभी कर्णधार स्वस्थ समृद्ध परिवार के जुड़ते हैं और इस सत्र सत्र का मनोबल बढ़ाते हैं और इस सत्र का सत्र में सीखे हुए चीजों को औरों को भी बताते हैं। तो मैं आज के व्याख्यान में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस सत्र को आरंभ करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ और अपना व्याख्यान रखने के लिए भी निवेदन करता हूँ। तो वैद्य जी कृपया आज का व्याख्यान रखें और आज का विषय अलाव के बारे में बताएं। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। और यहाँ पे जुड़े जितने सब मतलब सदस्य गण हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और ये बाद में जिन लोगों ने मतलब रिकॉर्ड भी सुन रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। तो आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज की जो आलोचना सत्र है, दीपन पाचन चूर्ण तो कल हमारा आलोचना हो गया था, कैसे बनाना है, क्या करना है और किन किन रोगों में क्या करना है, कैसे मतलब उसका उपयोग करना है, उन सब विषयों में कल विस्तार से आलोचना हो चुका था। तो आज हम अलाव तेल के विषय में आलोचना करेंगे। जैसे जितने सब मतलब तेल होते हैं, जैसे मतलब कल हमने चूर्ण, जो चूर्ण कल्प था, चूर्ण कल्प के जो राजा था दीपन पाचन चूर्ण, उसे चूर्ण के मतलब जो औषधि, जितने सारे औषधि आयुर्वेद की औषधि, उन सभी औषधियों का राजा कहा जाता है, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में मतलब वर्णन है और आयुर्वेदाचार्य भी ऐसा है मतलब कहते हैं। ठीक उसी तरह जितने सब मतलब तेल होते हैं, उन सभी तेलों में जो राजा होता है, उन सभी तेलों का जो राजा है वो है अलाव तेल। यह इसे मतलब कोई कोई वैद्य अलाव तेल, कोई कोई अलाम्बो तेल, कोई कोई अलाव तेल, कोई कोई अलाम्बो तेल, ऐसा भी इसका मतलब नामकरण मतलब इसके अलग अलग मतलब नाम उसके नाम से जानते हैं, परंतु बहुत कम वैद्य इसको जानते हैं, सब वैद्य मतलब इसको जानते नहीं है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से जो मतलब चलते आ रहे हैं, ये मतलब ये जो ज्ञान है या तो ये विधि है, ये उन लोगों के बीच में मतलब ये सीमित होके रह जाता है, इतना ही मतलब ये इसका मतलब रहस्य है और कुछ नहीं है। तो अभी बिना विलंब किए आज हम मतलब सत्र को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज तो बहुत देर हो गई है, कोई बात नहीं। तो इसका नाम अलाम्बो या तो अलाव इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले इलायची, एला मतलब इलायची का एक नाम है, इसका नाम है एला, इला, अला, अलाऊ, एलम्बो, इलायची, ऐसे उसके नाम मतलब बहुत सारे नाम है, सूक्ष्म एला, बृहद एला, ऐसे उसके मतलब पर्यायवाची बहुत सारे नाम है। तो क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे इलायची को लिया जाता है, इसके लिए इस तेल का नाम एलाऊ तेल, एलम्बो तेल, अलाम्बो तेल, अलाम्बो तेल, ऐसा उसके मतलब कई प्रकार के नाम है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है इलायची को मतलब द्रव्य के मतलब उसकी प्रथम मतलब जो द्रव्य है वो इलायची का है, इलायची का बीज है, सूक्ष्म इलायची का बीज है। तो यहाँ पे इलायची का जो मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले इलायची का काढ़ा मतलब बनाना है, कम से कम आप लीजिए मतलब इलायची का बीज जो है उसको बीज लेना है 1 किलो, इलायची का बीज लेना है, इलायची का मतलब पूरा इलायची को नहीं लेना है,
इलायची का मतलब लगभग 2 किलो लेके आएंगे, 2 किलो या 2.25 किलो, तो उसमें से जब मतलब छिलका उतार देंगे तो आपको 1 किलो बीज उसका मिल जाएगा। कभी कभी मतलब क्योंकि कभी कभी पूरा एकदम मतलब पूरा सूखा इलायची नहीं मिलता है बाजार में, तो कभी कभी मतलब पूरा सूखा मिल जाता है। इसके लिए कभी कभी 2 किलो में से 1 किलो बीज निकल आता है, जो मतलब जब मतलब अधिक मात्रा में सूखा रहता है, या तो फिर कभी कभी क्या होता है थोड़ा पूरा सूखा नहीं रहता है तो उसमें 2.25 किलो इलायची लेना होता है। तो इलायची का छिलका ऊपर निकालने के बाद में उसका जो बीज होता है उसका बीज हमें लेना है 1 किलो, जो कि सुगंध वाला जो छोटी वाला इलायची है उसको 1 किलो लेना है। और 1 किलो लेकर के उसको क्या करना है, 8 लीटर पानी में उसको उबालना है। 8 लीटर पानी में तब तक उबालना है जब तक वो 2 लीटर पानी न बचे, या तो फिर यदि मतलब हमें कम समय में बनाना है तो हम 4 लीटर पानी में ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चतुर्गुणा या तो अष्टगुणा या तो फिर षोडशगुणा, इस प्रकार से मतलब काढ़ा बनाने के लिए आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लेख है, वर्णन किया गया तेल कल्प में, तेल प्रकरण में। तो जो भी है, तो इलायची का बीज का 1 किलो मतलब लेना है, 1 किलो को आप मतलब चाहे तो 4 किलो 4 लीटर पानी ले सकते हैं या तो 8 लीटर पानी ले सकते हैं। तो 4 लीटर या तो 8 लीटर पानी लेंगे तो मतलब कितना मतलब हमें काढ़ा रखना है, मतलब पानी अवशेष रखना है ना 2 लीटर, क्योंकि हमें 2 लीटर इसका काढ़ा हमें चाहिए। तो इलायची का काढ़ा 2 लीटर हमें मतलब हमें वहां पे संग्रह करना है। ठीक उसी तरह अश्वगंधा का भी काढ़ा ठीक ऐसे ही मतलब लेना है। अश्वगंधा का मतलब लीजिए 1 किलो, फिर उसको या तो 4 लीटर पानी या तो 8 लीटर उसको 8 लीटर पानी लेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा मतलब गुणवत्ता वाला तेल बनता है। इसके लिए 8 लीटर पानी ही लीजिए, भले थोड़ा समय लगे तो 8 लीटर पानी लीजिए, और उसको 2 लीटर बचे तो उसको क्या करना है छान लेना है। और छानने के बाद में जो इलायची का जो काढ़ा है 2 लीटर हमने मतलब पहले बना के रखा है उसमें डाल दीजिएगा। फिर उसी तरह ठीक उसी तरह क्या करना है, जटामांसी का भी हमें 1 किलो लेना है और उसको 8 लीटर पानी में उसको उबालना है। जब 2 लीटर बचे तो उसको छान लेना है। छान करके जो भृंग इलायची और जो अश्वगंधा मिला हुआ है उसमें फिर मतलब भर देना है। ठीक उसी तरह फिर 10 मूल का काढ़ा मतलब हमें बनाना है। 10 मूल का काढ़ा जो मतलब 10 प्रकार का होती है, सब में से 100 100 ग्राम लेना है। बृहद पंचमूल 100 100 ग्राम लेना है, लघु पंचमूल 100 100 ग्राम लेना है। तो 1 किलो हो गया, फिर उसको 8 लीटर पानी में उबालना है। जब 2 लीटर बचे तो उसको छान लेना है, और उसमें जो इलायची अश्वगंधा जटामांसी जो काढ़ा है उसमें मिला देना है। तो ये 4 प्रकार का आपका काढ़ा हो गया। अभी फिर मतलब क्या करना है, भृंगराज का रस निकालना है, ताजा रस, उसमें मतलब काढ़ा नहीं लेना है, भृंगराज का रस निकालना है। और भृंगराज का पौधा तो मतलब गर्मी के मौसम में भी आराम से मिल जाता है, चारों ओर मिलता है, चाहे गांव हो शहर हो चारों ओर मिलता है। इसके लिए भृंगराज का रस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें चाहे तो काली भृंगराज का रस निकालेंगे तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो चाहे काली हो या सफेद हो जो भी हो, या तो फिर मतलब जो पीला रंग वाला भृंगराज हो, जो भी मतलब भृंगराज आपको मिले तो भृंगराज मतलब रस निकालना है, ताजा रस, उसको 2 लीटर मतलब रखना है। ठीक उसी तरह ब्राह्मी का भी मतलब रस निकालना है 2 लीटर। ठीक उसी तरह जो लौकी होता है, हम जो खाते हैं लौकी, हार्ट मतलब हृदय रोग में लौकी का रस पीने के लिए कहा जाता है, मीठा लौकी का, तो यहाँ पे भी मतलब मीठा लौकी का ही रस निकालना है 2 लीटर। ठीक उसी तरह आंवले का, यदि मतलब सर्दी का मौसम हो तो सर्दी के मौसम में आपको ताजा आंवला मिल जाता है निकालना। यदि आपको ताजा आंवला ना मिले तो आपका जो मतलब जो सूखा वाला आंवला है साबुत वाला उसको लेना है, मतलब 1 किलो लेना है, और उसको लगभग मतलब 2 लीटर या तो 2.5 लीटर में वहां पे मतलब क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में छोड़ देना है 1 दिन के लिए। तो दूसरे दिन मतलब वो पूरा 24 घंटे मतलब छोड़ देंगे, तो 24 घंटे बाद में फिर उसको अपने हाथों से मलना है, मथना है, फिर उसको छान लेना है। तो उसमें से आपको 2 लीटर आपका आंवले का रस, काला काला रंग का आंवले का रस आपको बन करके मतलब निकल आएगा। तो ये हो गया आपका सारा का सारा, जो काढ़ा है जो रस है वो सारा का सारा हमें प्राप्त हो गया। ये तो मतलब हो गया, अभी मतलब ये एक एक मतलब चीज का हमने काढ़ा बना के इसको रखा। अभी मैं कुछ चीज बता रहा हूँ जिसमें से सब में से 50 50 ग्राम की मात्रा में लेना है, और इसका भी मतलब हमें काढ़ा बनाना है। तो क्या क्या मतलब मैं द्रव्य लेना है पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर उसको काढ़ा कैसे बनाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले लेना है मालकांगनी। मालकांगनी का बीज आता है आप लोगों को मतलब मालूम है, तो उसका मालकांगनी का बीज लेना है। फिर मतलब लेना है नख चिकनी। नख चिकनी भी मतलब एक प्रकार का वनस्पति है जो कि पंसारी के वहां मिल जाता है। फिर काली मिर्च लेना है, फिर पिपली लेना है, फिर वाइवेडंग लेना है, फिर जो मतलब सहजन का जो बीज होता है उसको लेना है, फिर पीला सरसों होता है उसको लेना है, अपामार्ग के बीज जिसको लट जीरा भी बोलते हैं, तो अपामार्ग के बीज लेना है, या तो चिरचिटा उसको भी बोलते हैं, या तो फिर वो लेना है, फिर अपराजिता की जड़ लेना है।
इसमें यदि सफेद अपराजिता मतलब जड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करता है, नहीं तो काला अपराजिता भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह दूसरा मतलब औषधि है अपराजिता की, मतलब बीज भी लेना है यहाँ पे। तो ये तो मतलब इतना सारा मतलब लेना है, और क्या लेना है? और उसमें ऐसा कहा गया है कि मुनक का लेना है, फिर खजूर लेना है, फिर मतलब पियाल का बीज लेना है, बेर का मतलब जड़ का छाल लेना है या तो बेर का छाल लेना है, अनार दाना लेनी है, अंजीर जो हम लोग खाते हैं मतलब सूखा मतलब ड्राई फ्रूट के मतलब हिसाब से जो खाते हैं अंजीर, ये उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड उत्तरांचल उस प्रदेश में मतलब बहुत अच्छे से मतलब उगता है अंजीर। आप लोगों को मालूम है, गूगल में भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अंजीर भी लेना है, और फारसा जो मतलब एक प्रकार का मतलब बेर जैसा उसका फल होता है, छोटे छोटे फल, वो लेने हैं। फिर मतलब एक का रस लेना है, गन्ने का रस। फिर जो जौ होता है, जौ का मतलब काढ़ा लेना है, जौ का बीज लेना है, यहाँ पे काढ़ा नहीं लेना है, ये सब मतलब काढ़ा बनाना है हमको, तो काढ़ा लेना है। फिर साठी जो चावल होता है, जो 60 दिन में मतलब साठी चावल उसका षष्ठी धान्य ऐसा कहा गया है। षष्ठी यानी के 60, यानी के 60 दिनों में जो धान मतलब बन करके तैयार हो जाता है और हमें प्राप्त होता है, इसीलिए उसको साठी चावल या तो षष्ठी धान्य ऐसा कहा गया है। तो वो मतलब ले सकते हैं, लेना है। फिर मतलब क्या लेना है? बिदारी गंधा लेना है। बिदारी गंधा यानी कि कोई कोई वैद्य उसको बिदारी कंद मतलब ले लेते हैं, या तो कोई कोई क्या करते हैं उसको सारीवाल ले लेते हैं। तो दोनों ओर से मतलब सही है, आप चाहे बिदारी कंद लीजिए या तो सारीवाल लीजिए। कोई कोई वैद्य क्या करते हैं, बिदारी कंद और सारीवाल दोनों ले लेते हैं, तो ये भी सही है। तो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। मैं जब मतलब उसका तेल बनाता हूँ, अभी तो मैं बहुत दिन हो गया ये तेल बनाया नहीं, लगभग 4 साल हो गया, परंतु 4 साल पहले जब मतलब ये तेल बनाता था तो बिदारी कंद और ये सारी बात दोनों मतलब मैं मिला के बनाता था। ठीक उसी तरह पृशनी पन्नी लेनी है, बड़ी कटेरी लेनी है, छोटी कटेरी लेनी है, एरन का जड़ लेना है, और काकोली लेना है, चंदन लेना है जो खस होता है, खस लेना है, फिर छोटी इलायची के बीज लेने हैं, और मुलेठी लेने हैं, ये सब मतलब आपको मतलब लेना है। ठीक उसी तरह और क्या लेना है? हींग लेना है, जो हींग हम बना के मतलब भोजन में बना के खाते हैं, हींग लेना है। फिर कटफल लेना है, कटफल या तो कायफल जो भी मतलब उसको बोलते हैं वो लेना है। फिर जो मतलब हमारा जो कड़ी पत्ता होती है, जो हम खाने में भोजन में मसाले के रूप में जो भी मतलब हम प्रयोग करते हैं वो लेना है। फिर जो खदीर होती है, खदीर यानी कि कत्था, जिसको खेर खदीर जैसा मतलब आयुर्वेद की औषधि बनती है खदीर अरिष्ट, तो वो खदीर लेनी है। तो ठीक उसी तरह फिर बच लेना है, फिर चोर पुष्पी लेना है। चोर पुष्पी यानी कि जिसको चोरंग मतलब नाम का वनस्पति है उसको चोर पुष्पी कहते हैं, तो चोर पुष्पी लेना है। फिर मतलब ब्राह्मी मतलब लेना है, कौन सा? जो जल जमने वाला ब्राह्मी है या तो फिर जो मंडूपर्णी है उसको ले सकते हैं। फिर मतलब लेना है गोलोमी लेना है, ये गोलोमी आपको पंसारी वहां पे मतलब आपको मिल जाएगा। फिर जटामांसी का मतलब जटामांसी लेना है, और गुगुलो लेनी है, और कटुकी लेनी है, कटुकी कुटकी कटुक कटुकम ऐसा उसका मतलब नाम है, तो ये सब लेना है। फिर उसी तरह मतलब लेना है दुबा का जो रस होता है वो लेना है। फिर मतलब जो पाटल होता है पाटल लेना है, आंवला की लेना है। फिर मतलब जो गुड़ची होती है वो लेना है, हरिता की लेना है। फिर मतलब ये बेहड़ा लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि बेहड़े का मतलब सर के ऊपर कितना बहुत अच्छा प्रयोग है, तो बेहड़ा लेना है। फिर मतलब ये जो रीठा होता है रीठा लेनी है। फिर मतलब जो कंघी होती है, कंघी यानी कि जो गुंजा जो भी बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है गूगल में सर्च करेंगे कि गंजेपन में मतलब बाल उगाने के लिए क्या क्या औषधि है, तो उसमें गंजे का मतलब कंघी का मतलब बीज भी लगाने के लिए, फल लगाने के लिए भी वहां पे बताया जाता है, तो वो मतलब लेना है। फिर लेना मतलब द्रोण पुष्पी लेना है। द्रोण पुष्पी मतलब आप लोगों को मालूम है जो कि द्रोण पुष्पी जो होता है एक प्रकार का विष नाशक पौधा होता है, इसलिए हमारे शरीर में मतलब सर में मस्तिष्क में जितने सारे मतलब विष होता है वो सारा विष मतलब निकालने के लिए वो काम करेगा। ठीक उसी तरह प्रियंगो लेना है। प्रियंगो भी मतलब प्रियंगो मतलब लेकर के ये सब मतलब मैंने जितने बताया ये सब में से 50-50 ग्राम के हिसाब से आपको लेना है। तो ये 50-50 ग्राम के हिसाब से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 किलो हो जाएगा, 2.5 किलो हो जाएगा। फिर उसको मतलब आपको क्या करना है, इसको 10 लीटर पानी में उबालना है, और जब 10 लीटर 2 लीटर बचे तो इसको छान लेना है। तो पहले के जितने सारे मतलब जो काढ़े मतलब मैंने बताए, काढ़ा या तो रस जो भी मतलब मैंने बताया है, जैसे इलायची का काढ़ा, अश्वगंधा का काढ़ा, जटामांसी का काढ़ा, आंवली का रस, दशमूल का काढ़ा, लौकी का रस, ब्राह्मी का रस, शंखपुष्पी का रस, भृंगराज का रस, ये सारा का सारा मतलब जो है ये सब मतलब आपको मतलब एक ही मतलब बड़े से बड़ा मतलब कढ़ाई या तो बड़ा जो मतलब होता है ना बहुत बड़ा बर्तन, ये बहुत बड़ा बर्तन लेना है। तो बहुत बड़े बर्तन में लेकर के ये सब मतलब उसी में मिलाना है, या तो आप चाहे इतना बड़ा आपके बर्तन में नहीं है
तो आप इसमें से एक चौथाई मतलब सब कर दीजिए, मतलब ये जो काढ़ा आपने रस लिया 2-2 लीटर, तो आप उसको आधा लीटर के हिसाब से भी लेकर के बना सकते हैं, मतलब इसका एक चौथाई हिस्सा भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो मतलब ताल पत्र में जो गुरुओं ने जो मतलब मात्रा दी है, ऐसा मतलब एक साथ में बनाने की जो विधि मतलब हिसाब से दिया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि आप लोगों को एक साथ में बनाने में मतलब दिक्कत होती है, तो उसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, उसका एक चौथाई के हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसको मतलब लेकर के क्या करना है, इसको मतलब तांबे के बर्तन में, बड़ा सा जो तांबे का बर्तन है उसमें मतलब आपको मतलब लेकर के इसको मतलब बनाना है, मतलब काढ़ा मतलब बनाना है। तो ये सारा मतलब काढ़ा हो गया, तो ये सब मतलब कितना होगा आपका, लगभग 20 लीटर हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 20 लीटर जो है गाय का दूध लेना है, और 20 लीटर जो है आपको मतलब ये तेल लेना है। तेल कौन सा लेना है, ना तिल का तेल चाहिए, ना एरन का तेल चाहिए, इसमें कोई तेल नहीं चाहिए, इसमें केवल नारियल का तेल चाहिए। और इसमें मतलब नारियल का तेल जो है अपने घर में बनाया मतलब बनाया हुआ चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बाजार में गए, बाजार में तेल की दुकान से नारियल का तेल लेके आ गए, डाल दिया, फिर उसमें काम नहीं करता है। क्योंकि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो अनुभव करके बता रहा हूँ। एक बार मतलब पहली बार में जब मतलब मैं बनाया था लगभग 7-8 साल पहले, तो जैसा मतलब हमें गुरु से जैसे मतलब आज्ञा मिली थी उसके हिसाब से मतलब अनुसार मतलब हमने बनाया था, तो उसमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मतलब ये तेल बनाने के लिए कम से कम 2 महीना लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं और थोड़ा मतलब जल्दी कर मतलब कर लेते हैं, क्योंकि इसमें नारियल तेल मतलब 10 लीटर निकालने में तो कम से कम मतलब 100 नारियल मतलब उसमें चाहिए होते हैं। तो 100 नारियल को मतलब फोड़ना, फिर उसका मतलब दूध निकालना पहले, क्योंकि नारियल को पहले मतलब उसको खोपरे जैसा छोटे छोटे पीस करना होता है, फिर पीस करके उसको मतलब गर्म पानी में उसको ढालना होता है, मतलब उस मतलब खोपरे के वो मतलब नारियल का चूरा मतलब पहले बनाना है, चूरा बनाना है, चूरे में मतलब उसको एक बर्तन में रखना है, और बर्तन में रख करके उसके ऊपर गर्म पानी डालना है। कितना डालना है, उसके चूरा के ऊपर से लगभग 2 अंगुल मतलब ऊपर आ जाना चाहिए, और उसी गर्म अवस्था में क्या करना है हमें, उसको मतलब मर्दन करना है ये नारियल के चूरे को, और इतना मर्दन करना है जैसे मतलब पूरा केवल आपको दूध ही दूध दिखाई दे और कुछ भी दिखाई ना दे। और मतलब जैसे मतलब आपने 5 मिनट 10 मिनट तक मर्दन किया, तो पूरा एकदम मतलब नारियल का जो चूरा है, चूरा का रस जो है वो छोड़ने लगा पानी में, गर्म पानी में, और पूरा गर्म पानी जो है वो पूरा दूध जैसा बन गया। इसी को नारियल दूध कहा जाता है, मतलब इसको छान लिया तो बस हो गया नारियल का दूध। इसमें बिना पानी मिला, यदि बच्चे को पिलाना है, छोटे बच्चों को, तो बिना पानी मिलाए भी हम इसको पी सकते हैं। नारियल का दूध कैसे बनाना है ये तो नारियल के मतलब सत्र में मैंने बताया था, परंतु ये तेल के बनाने भी मतलब मैं इसका बता रहा हूँ। नारियल का दूध हमने पहले बना लिया, फिर उसको क्या करना है, हमें मतलब उसको लेकर के लोहे की कढ़ाई में हमें मतलब वहां पे चूल्हे में रखना है। मतलब जैसे ही मतलब हम चूल्हे में मतलब रखेंगे, चूल्हे यदि मतलब आपका गैस है तो पूरा धीमी आंच पे पकाना है, यदि आप मतलब लकड़ी के चूल्हे से मतलब बना रहे हैं तो लकड़ी के चूल्हा से वहां पे कितना मतलब देना है, सर्वप्रथम मतलब जब मतलब वो गर्म न हो जाए तो 5 लकड़ी से चूल्हा जलाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। जैसे ही हमने मतलब लोहे के मतलब कड़ाई मतलब बिठा दिया उधर चूल्हे के ऊपर, तो 5 लकड़ी मतलब वहां पे मतलब ये मतलब आग लगाना है, चूल्हा जलाना है, क्योंकि ये मतलब नियम है, विधि है, ये जानना भी मतलब बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, तेल का 3 प्रकार का पाक होता है, एक होता है मृदु पाक, दूसरा होता है खर पाक, दूसरा होता है मतलब मतलब मध्य पाक, ऐसा 3 प्रकार का होता है। बालों में तेल की मालिश करने के लिए, सर में मालिश करने के लिए हमें मतलब मृदु पाक की आवश्यकता होती है, और पूरे शरीर में मतलब मालिश करने के लिए मध्य पाक की आवश्यकता होती है, और खर पाक जो है ये मतलब दूसरे दूसरे मतलब सिकाई के लिए या तो पैरों में मालिश करने के लिए खर पाक की आवश्यकता होती है। क्योंकि मतलब खर पाक यदि मतलब हो गया तो फिर वो तेल मतलब मालिश करने योग्य नहीं रहता, सेवन करने योग्य नहीं रहता, पीने योग्य नहीं रहता, नशे के योग्य नहीं रहता, फिर मतलब उसको मतलब वो इतना काम नहीं करता है, फिर उसको दूसरे दूसरे मतलब अन्य अन्य कामों में लगाया जाता है, परंतु वो बाई चांस मतलब बहुत कम हमें वहां पे मतलब उपयोग करने के लिए मिलता है। इसके लिए क्या करना है, हमें जब भी मतलब सर में लगाना है, मतलब मस्तिष्क में लगाना है, अपने शीश पर मालिश करनी है, तो वहां पे हमें एकदम मतलब मृदु पाक की विधि से हमें मतलब करना है। तो जब तक मतलब जो नारियल का दूध या तो कढ़ाई मतलब नारियल का दूध जो मतलब उबालना आए, तब तक हमें 5 लकड़ी देकर के चूल्हे में हमें पकाना है। जैसे मतलब वहां पे उबाल आने लगे तो हमें वहां से चूल्हे में से क्या करना है, 2 लकड़ी जो है बाहर निकाल देना है, ये ध्यान में रखना है। फिर मतलब जब उसका मतलब धीरे 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 तेल बनने लगे, तेल मतलब बनने लगे तो मतलब दूध दूध का रंग सफेद है, फिर
आपको मतलब धीरे 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 कुछ समय के पश्चात, लगभग 1 घंटे के पश्चात, फिर क्या होगा, आपका दूध जैसा वो सफेद रंग है, वो सफेद रंग गायब हो जाएगा। तो सफेद रंग जैसे ही गायब हो जाएगा, एकदम मतलब थोड़ा वो तेल छोड़ने लगे नारियल का चूरा, तो उसमें क्या करना है आपको, एक ही मतलब लकड़ी में आपको चूल्हे के मतलब आग देना है, एक लकड़ी का मतलब चूल्हे में केवल एक ही लकड़ी रखेगा, बाकी और दो भी मतलब हमने निकाल देना है। फिर वहां से 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा लगता है समय के मतलब हिसाब से। यदि ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, तो 1.5 घंटे में 1 घंटे में हो जाते हैं, परंतु यदि सर्दी का मौसम है तो 2 घंटा लग जाता है तेल बनने में। तो फिर मतलब एक लकड़ी में वहां पे हमें तेल को पकाना है। तेल पकते 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 फिर मतलब क्या होगा, ऊपर से वो एकदम मतलब पनीर जैसा उसमें से निकलेगा, मतलब छेना जैसा निकलेगा। फिर उसको मतलब एक साइड में मतलब रखना है, मतलब जो होती है करचुली होती है, करचुली से मतलब क्या करना है, करचुली के माध्यम या तो छलने के माध्यम से उसको मतलब हिलाते रहना है कढ़ाई के भीतर, नहीं तो फिर वो क्या होगा, पनीर जो मतलब नारियल का तेल का जो पनीर है या तो छेना है, वो नीचे जम जाएगा बीच में, फिर क्या हो जाएगा, वो तेल जो है जल जाएगा। इसलिए हमें हिलाते रहना है, चमचे से हिलाते रहना है, ये ध्यान में रखना है। तो जैसे ही मतलब हम हिलाते गए, फिर वो तेल मतलब झाग निकलना बंद हो गया, तो क्या करना है हमें उसी समय दूसरे बर्तन में मतलब हमें मतलब खाली कर देना है। फिर वो ये हो गया आपका शुद्ध नारियल तेल, ये जो घर पे बनाया जाता है, और यही विशुद्ध नारियल तेल है। परंतु आप YouTube में Google में सर्च करेंगे तो सब क्या बताएंगे कि आपने मतलब नारियल का दूध मतलब निकाल दिया, उसको मतलब पानी में, उसी पानी में क्या करना है आपको, फ्रिज के भीतर रख देना है। फ्रिज के भीतर रखेंगे तो इसका मतलब जितना नारियल का तेल मतलब बनना होगा, तो ये ऊपर एकदम मतलब बर्फ की भांति ऊपर जम गया होगा, और जो नीचे वो मतलब पानी जैसा का वैसा ही रहा होगा। तो ये जो ऊपर का मतलब बर्फ जैसा बन गया, उसको निकालना है और उसको लोहे के कड़ाई में डाल देना है। वो जैसे ही पिघल जाएगा, बस आपका नारियल तेल तैयार है। ये प्रयोग भी मैंने करके देखा, तो जैसे मतलब अभी मैं जो बता रहा हूँ अलाव तेल के विषय में, फिर उसके गुणधर्म नहीं मिला मुझे। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो शॉर्टकट का रास्ता है, आप लोग कभी मत करिए। फिर मतलब मेरे मन में एक बार आया, चलो मैं मिल में ले जा करके मतलब मैं इसको मतलब नहीं, सबसे पहले मतलब मैं बाजार से नारियल तेल लेके आया, फिर उसको अलाव तेल बनाया, तो उसमें जरा सा भी मतलब मुझे परिणाम नहीं मिला। फिर मेरे मन में विचार आया, चलो मैं नारियल लेके मैं स्वयं मतलब मिलिंग करता हूँ, मिल में ले जा करके मैं इसको मतलब बनाता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ। तो मैं पहले मतलब मिल में लेके गया और उसको मतलब पीस मतलब नारियल का तेल निकाला और उसको मतलब लेके आया और बनाया, उसमें भी मुझे परिणाम नहीं मिला, पूरा टोटल फेल। इसके लिए बता रहा हूँ कि जो विधि जो बताया गया है शास्त्रों में, या तो गुरुओं ने जैसे जो विधि बताई है, उसी विधि से आपको बनाना है, तभी आपको मतलब इसका परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर आप बोलेंगे, अरे सत्यवान जी ने कहा था, हमने इतना सारा खर्चा किया वो किया, परंतु हमें परिणाम नहीं मिला, फिर मतलब ये मुझे मत कहिएगा। इसलिए मैं उसकी पूरी विधि एक एक मतलब बात जो है बारीकी से आपको मतलब आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि मतलब समझ में नहीं आए तो फिर मुझे दोबारा पूछिए, मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जितने सब मतलब औषधि है, ये सब मतलब आपको औषधि मतलब ले लेना है। तो ये 10 मतलब 20 लीटर हो गया आपका सारा का जो काढ़ा और रस है बराबर। फिर मतलब 20 लीटर देसी गाय का दूध हो गया, और 20 लीटर जो है आपको इसमें आपको मतलब बनेगा नारियल का तेल, जो कि मैंने अभी बनाने का मतलब उसका मतलब जो पूरा शैली है, जो मतलब पद्धति है, मैंने आप लोगों को बताया। तो ये अपने घर में बनाया हुआ नारियल तेल लेना है 20 लीटर, देसी गाय का दूध 20 लीटर, और ये जो सारा काढ़ा, जो सारा का सारा जो काढ़ा और रस है, ये हो गया 20 लीटर। कुल मिलाकर के आपको हो गया 60 लीटर हो गया। आप इसको 15 लीटर के हिसाब से या तो 30 लीटर के हिसाब से भी आपने अपने घर पे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मतलब इसमें भी क्या होना है कि आपका मतलब तेल मतलब बन जाएगा ऐसे ही। मतलब यदि चूल्हे में मतलब पकाते हैं तो 5 लकड़ी का मतलब चूल्हे से आपको मतलब पकाना है, फिर जैसे ही मतलब तेल में अंदर मतलब उबाल आने लगे काढ़ा में, और जो मतलब रस में हमने मिलाया है तेल में, जैसे ही मतलब उसमें उबाल आने लगे, तो उसमें से चूल्हे में से 2 लकड़ी निकाल देनी है। और जब मतलब धीरे 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 झाग निकलना मतलब थोड़ा कम आने लगे, कम होने लगे, तो उसमें क्या करना है, और 2 लकड़ी निकाल लेना है। मतलब एक ही लकड़ी से फिर मतलब हमें आग को मतलब तेल को पकाना है, पका दे देना है। तो तेल पकते पकते मतलब क्या होता है, इससे 3 दिन लगते हैं पूरी तरह से मतलब तेल को पकने में, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। एक लकड़ी से जब मतलब धीमी आंच पे जब देते हैं, तो इसमें 3 दिन लगता है ये तेल बनने के लिए, बन के तैयार होने में। तो ये आपका मतलब बन के तैयार हो गया, ये तेल मतलब आपका जब हो गया, तो ऐसे मतलब तब मतलब फिर आपको क्या करना है, एक बहुत बड़े मतलब मिट्टी का बर्तन लेना है। बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन तो हमारे उड़ीसा में मिल जाते हैं, वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि हमारा जो जगन्नाथ पुरी है
मतलब जो जगन्नाथ जी धाम जी है पूरी मंदिर, वहां पे सब मतलब मिट्टी के बर्तन में ही जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। तो बड़े से बड़ा बर्तन भी आपको मतलब हमारे वहाँ उड़ीसा में मिल जाता है। तो मैं कभी मतलब चला जाता हूँ पूरी या जगन्नाथ ऐसा मतलब जाता हूँ, तो हमारे यहाँ तो मतलब कुम्हार की मतलब मिट्टी बड़ाई रहती है, तो मैं वहां से मतलब मंगा करके ले सकता हूँ। तो आपके वहां पे भी देखिए जो कुम्हार लोग होंगे, तो आप मतलब उनको ऑर्डर देकर भी आप मतलब बहुत बड़ा मतलब हांडी जो है, आप हांडी या तो बर्तन जो भी है आप उसको मतलब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मतलब बनाने के बाद में इसको क्या करना है, ये तो आपका मतलब तेल बनकर के तैयार हो गया अभी मतलब ये, परंतु लगाने के लिए तेल तैयार नहीं हुआ है, ये खाली तेल मतलब पाक हुआ है सिद्ध हुआ है, परंतु इसको हमें औषधि के मतलब उपयोग करने जैसे मतलब हमें उसमें गुणवत्ता डालनी है, मतलब योग्यता बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर उसमें मतलब इलायची का बीज लेना है, कितनी मात्रा में लेनी है, यदि आप मतलब 60 लीटर मतलब इसका बनाते हो तेल का, यदि 20 लीटर लेकर के तेल बनाते हो, तो इसमें सब में से मैं जो दो बता रहा हूँ इसमें से 100-100 ग्राम लेनी है, यदि आप मतलब 30 लीटर बनाते हो तो आप इसमें से 50-50 ग्राम लेनी है, यदि 15 लीटर बनाते हो तो 25-25 ग्राम के हिसाब से आपको लेनी है। ये आपके ऊपर मतलब निर्भर करता है कि आप मतलब कितने हिसाब से आप मतलब बना रहे हो। तो यदि मतलब मैं जो बता रहा हूँ वे मैं 60 लीटर के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो मतलब इलायची का बीज है, बीज निकालना है उसका, मतलब बीज ही इसमें मतलब काम करना है। इलायची का जो छिलका है आप अपने घर में मसाले के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलायची का बीज लेना है 100 ग्राम। फिर जो सफेद चंदन होता है, जो कि मलयगिरी में चंदन होता है, सफेद चंदन, उसको मलय चंदन भी कहा जाता है। वो चंदन इतना सुगंध रहता है कि इसको एक बार मतलब लगा लो तो लगभग 24 घंटे तक, यदि बाद में फिर मतलब दोबारा मुंह नहीं धोया साबुन नहीं लगाया तो 24 घंटे तक तो मतलब अपने शरीर में से वो सुगंध आती रहती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में चरक जी, सुश्रुत जी, सभी मतलब ग्रंथकारों ने कहा है कि आपको मलयगिरी का जो चंदन है ग्रीष्म ऋतु में लेपन करना चाहिए अपने शरीर में, वो इसलिए ताकि आपको मतलब शरीर में से दुर्गंध ना निकले, मतलब जो बदबूदार मतलब जो पसीना होता है वो ना हो, इसके लिए मलयगिरी का चंदन लगाने के लिए कहा गया। तो मलयगिरी का चंदन का चूरा उसको भी 100 ग्राम लेना है। ठीक उसी तरह केसर जो होता है, जो जाफरान को होता है केसर, जो कश्मीर का जो मिलता है उसको भी मतलब लेना है, 100 ग्राम लेना है। फिर उसको मतलब बाद में मुरा मानसी करके एक औषधि आती है उसका भी मतलब चूर्ण बनाना है, 100 ग्राम लेना है। फिर मतलब जो कंकोला होता है कंकोला लेना है 100 ग्राम। फिर जटामानसी का चूर्ण मतलब बनाना है उसका लेना है 100 ग्राम। फिर जो कचूर होती है कचूर का भी मतलब 100 ग्राम लेना है। फिर जो सरल काष्ठ जिसको चीड़ भी मतलब बोलते हैं हिंदी में, परंतु संस्कृत में इसको सरल काष्ठ कहा जाता है। तो सरल काष्ठ का पत्ते का रस यदि मिले तो बहुत अच्छा, यदि सरल काष्ठ मतलब चीड़ के पत्ते का रस ताजा मिले तो बहुत अच्छा, यदि ताजा ना मिले तो आप इसके उस पौधे के मतलब आपको मतलब छाल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको मतलब पत्ता मिल रहा है ताजा पत्ता या नहीं मिल रहा है। ताजा पत्ता मिल रहा है तो उसका रस निकालिए, यदि ताजा पत्ता नहीं मिल रहा है तो उसको छाल का चूर्ण लीजिए। ठीक उसी तरह जो मतलब ग्रंथि पन्नी होती है, ग्रंथि पन्नी एक प्रकार का मतलब जो वनस्पति है, लगभग 3-4 फुट मतलब ऊंचाई मतलब आपको उसमें पाया जाता है, मिला जाता है। तो ग्रंथि पन्नी लेनी है 100 ग्राम। फिर उसी में मतलब भीमसेनी कपूर लेना है 100 ग्राम। फिर मतलब जो भूरी छरीला है एकदम मतलब भूरा रंग का, मतलब एकदम ग्रीन कलर जैसा, मतलब हल्का ग्रीन मतलब हरा रंग जैसा मतलब वो आता है जिसको भूरा रंग का रहता है, इसके लिए उसको भूरी छरीला कहा जाता है। तो भूरी छरीला का भी मतलब लेना है 100 ग्राम लेना है। फिर ताल पत्र का मतलब चूर्ण या तो ताल पत्र का रस लेना है उसमें 100 ग्राम लेना है। फिर मतलब जो खस होता है, खस मतलब जिसको संस्कृत में उसीर कहा जाता है, जिससे मतलब उसीरा सब करके नाम का एक वनस्पति औषधि है, उसीरा सब करके आप लोगों को मालूम है, ये मतलब रक्त में अधिक मात्रा में मतलब पित्त बढ़ने से या तो फिर मतलब अपने शरीर में पित्त बढ़ने से गर्मी को जलन को शांत करने के लिए ये खस का प्रयोग किया जाता है, उसीर का। तो यहाँ पे भी मतलब उसीर का मतलब लेना है, उसका जड़ लेना है 100 ग्राम। ठीक उसी तरह कस्तूरी लेनी है, कस्तूरी भी मतलब 100 ग्राम लेना है। ठीक उसी तरह नखी करके एक औषधि आती है उसका लेना है 100 ग्राम। फिर खट्टासी करके मतलब औषधि है वनस्पति है, फिर उसका भी मतलब लेना है 100 ग्राम। ठीक उसी तरह नागरमोथा भी है, नागरमोथा का जड़ का चूर्ण लेना है 100 ग्राम। फिर मेथी का जो बीज है जो कि एकदम मतलब पीला पीला रंग में मतलब दिखाई देता है, क्योंकि बाजार में आप देखेंगे मेथी जो है 2 रंग का आता है, 2 रंगों में मतलब आपको मतलब बाजार में देखने को मिलता है, एक होता है एकदम मतलब ग्रीन कलर मतलब हरा रंग देखने को मिलता है और दूसरा होता है पीला रंग। तो जो पीला रंग का जो मतलब मेथी होता है वो असली होती है, उसको आप मतलब प्रयोग में करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। बाकी मतलब जो मिलता है कि मतलब भूरे रंग में मतलब जो मिलता है तो मेथी, तो वो मतलब इतना काम का नहीं रहता क्योंकि वो कच्चा जैसा रहता है, पका हुआ मेथी नहीं है,
इसके लिए उसका प्रयोग नहीं करना है। तो ठीक उसी तरह मतलब मेथी लेना है जो पीला रंग का, 100 ग्राम लेना है। ठीक उसी तरह लौंग का भी मतलब लेना है 100 ग्राम। फिर कोढ़ लेना है, जिसको कोढ़ कोठ कोष्ठ ऐसा उसका मतलब नाम है वनस्पति का, तो उसको लेना है 100 ग्राम। ठीक उसी तरह नाली करके एक औषधि है, उसको नाली नीली ऐसा कहा जाता है। ये बालों के रोगों को सर के लिए, शेष के लिए, आधा शीशे के लिए, बालों के लिए, ये बहुत अच्छा वनस्पति है, जिसका नाम नीली नाली ऐसा मतलब कोई कोई वैद्य अपने अपने मतलब हिसाब से उसको बुलाते हैं। तो नीली हो या नाली हो जो भी है उसको लेना है 100 ग्राम। फिर मतलब तेज पत्ता जो होता है, जो घर में रसोई घर में होता है, पाया जाता है, और जो मतलब मसालों के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, तो ये जो तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता लेना है 100 ग्राम। फिर जो जायफल होता है, ये मसाले के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, जायफल लेना है 100 ग्राम। फिर जो मतलब एक प्रकार का लता कस्तूरी है, जिसको मुस्क मुस्क दाना ऐसा कहा जाता है, ये भी मतलब एक प्रकार से सुगंध मतलब द्रव्य है, तो लता कस्तूरी लेनी है आपको 100 ग्राम। फिर घोड़ा बच लेनी है। घोड़ा बच यानी कि बच दो प्रकार का होता है, एक सफेद और दूसरा लाल। तो घोड़ा बच मतलब आपको यहाँ पे मतलब लेना है, उसका भी मतलब 100 ग्राम लेना है। ठीक उसी तरह ये जो काला रंग का जो अगरू है, मतलब ये अगरू तो मतलब आपको मतलब मालूम है कि कितना मतलब महंगी चीज है, तो यहाँ पे भी मतलब इतना भी महंगा नहीं है, परंतु हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगरू से जो मतलब तेल बनाया जाता है, वो तेल भी मतलब थोड़ा महंगा रहता है। तो जो भी है काला अगरू मतलब काला रंग का, तो काला रंग अगरू लेना है 100 ग्राम। ठीक उसी तरह श्रीवास करके एक वनस्पति है, तो उसका भी मतलब हमें लेना है 100 ग्राम लेना है। ठीक उसके बाद में कुंदरू खुटी करके एक वनस्पति है, उसका जड़ हमें लेना है 100 ग्राम। ठीक उसी तरह गंध मातृका, जिसको गंध मातृका, गंध तृण, गंध वितरण ऐसा उसके मतलब पर्यायवाची नाम है, तो गंध मातृका या तो गंध तृण जो भी है, इसको मतलब आपको लेना है 100 ग्राम। ठीक उसी तरह शिला रस लेना है। शिला रस यानी कि मतलब एक प्रकार का वो भी वनस्पति है, तो उसको भी मतलब हम इसको लेना ले, ले सकते हैं। ठीक उसी तरह जावित्री है, ये भी मतलब आपको मालूम है कि इसको मसाले के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो बाद में फिर मतलब देवदारू है, देवदारू का छाल लेना है 100 ग्राम। फिर जो जीरा है, हम लोग जो जीरा खाते हैं, जीरा धनिया अजवाइन, ये जो मतलब खाते हैं ना रसोई घर में, तो इसको मतलब जीरा लेना है, जीरा भी सफेद वाला जीरा लेना है 100 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो सोया होता है, जिसको संस्कृत में शतपुष्पा या ऐसा मतलब कहा जाता है, तो यहाँ पे सोया लेना है। सोया का चाहे मतलब आप बीज ले लीजिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सब मतलब आपको 100-100 ग्राम के हिसाब से आपको लेकर के इन सब का मतलब क्या करना है, चूर्ण बना लेना है। और आपने जो मतलब जो तेल जो औषधि मतलब जो तेल बनाया है 20 लीटर या तो जो भी मतलब तेल बनाया है, उसमें मतलब मिट्टी के बर्तन में मतलब रख देना है, छोड़ देना है। फिर ये जो मतलब जो इलायची से लेकर के जो मतलब मैंने जो सोया या जीरा तक मतलब मैंने जो बताया, जो भी मैंने बताया, इसको मतलब सारे के सारे चूर्ण के रूप में रख करके वो जो मिट्टी के बर्तन में क्या करना है, उसको छोड़ देना है। ये सारा का सारा जो चूर्ण मतलब, क्योंकि हमारा तेल पाक हो चुका है, तो उसको मतलब उस तेल में हमें छोड़ देना है। और छोड़ करके ऊपर क्या करना है, उसको एक जो मतलब दिया बत्ती जैसा मतलब होता है, इसको आयुर्वेद ग्रंथों में शराब संपुट ऐसा कहते हैं, जिसको मतलब मतलब जितने सब आयुर्वेद ग्रंथों में मतलब आसव अरिष्ट की जो बनाने की जो प्रक्रिया है, आप लोग मतलब मालूम है, मतलब कुछ कुछ वैद्य करते भी है और देखा भी है, सुना भी है, तो पढ़ा भी होगा, जो भी आप लोगों को सबको मतलब मालूम है, इसके लिए मैं अधिक विस्तार से नहीं बता रहा। तो जो शराब संपुट कहते हैं, तो ये जो तेल है इसका भी मतलब क्या करना है, शराब संपुट कर लेना है। मतलब ऊपर जो मतलब बहुत बड़ा जो दिया होती है, दिया मतलब होती है, तो बहुत बड़ा दिया लेना है, और उसको रख करके मतलब उसके चारों ओर मुल्तानी मिट्टी और ऐसा मतलब जो दूसरे दूसरे मतलब मिट्टी से मतलब मिला हुआ जो भी है, तो उसका मतलब कपड़ मिट्टी जो है उसका कर देना है, और कपड़ मिट्टी करके उसको छोड़ देना है। और ये कब तक तो मतलब छोड़ना है, कहाँ रखना है इसको, ना ऐसा कहा है कि इसको ऐसे जगह पे मतलब आपको रखना है जहां पर मतलब 12 महीना आपको मतलब केवल मतलब गीला गीला आपको मतलब देखने को मिले, गीला यानी कि मतलब भीगा हुआ आपको मतलब अनुभव हो, या तो मतलब वहां पे मतलब पानी गिरता हो, या तो फिर अधिक मात्रा में बरसात हो रहा हो, ये सब ऐसा मतलब आपको अनुभव मतलब होता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वहां पे एक विलस यानी कि अपने जो मतलब वृद्धा अंगुष्ठी होती है, वृद्धा अंगुष्ठी से कनिष्ठ अंगुल तक मतलब थंब फिंगर से लिटल फिंगर तक आप मतलब ऐसे विस्तार करेंगे, जितना मतलब आपको मतलब हो जाएगा, मतलब आप मान लीजिए कि आधा फीट ऐसा समझ लीजिए, तो आधा फीट मतलब नीचे गड्ढा करिए, मतलब आप मतलब चौड़ा तो मतलब कर सकते हैं, परंतु गड्ढा जो है आधा फीट मतलब आपको गड्ढा खोदना है। और गड्ढा खोद के मतलब आपको क्या करना है, वहां पे नीचे जो है थोड़ा मतलब कीचड़ या तो थोड़ा मतलब
कीचड़ यदि मतलब नीचे डाल देंगे तो बहुत उसमें मतलब उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले नीचे जो है आपको कीचड़ डाल देना है। कीचड़ डालने के बाद में फिर मतलब ये जो मिट्टी का बर्तन है इसको ऊपर रख लेना है और उसको फिर मतलब मिट्टी से उसको ढक लेना है। मिट्टी से ढकने के बाद में फिर मतलब क्या करना है, उसके ऊपर जो है 30 दिन तक उसको मतलब पानी बराबर बराबर उसमें ढालते रहना है। पानी इतना ढालना है वो गड्ढे में जैसे कि मतलब पानी वहां पे जमा ही रहे, मतलब ऊपर मतलब एकदम मतलब गीला गीला मतलब गीला बना ही रहे। ये मतलब आपको 40-30 दिन तक मतलब 1 महीने तक आपको ऐसा करते रहना चाहिए, मतलब उसमें पानी ढालते रहना चाहिए। तो पानी ढालते ढालते वो क्या होगा, उससे वो गीला ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे में मतलब आप मतलब इसको मतलब बना लिया और उसको मतलब बना करके आप मतलब 1 महीने तक छोड़ दिया। 1 महीने बाद में फिर उसको क्या करना है, पानी तो आप मतलब ढाल ही रहे होते हैं तो धीरे 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 क्या करना है, उसको पहले मतलब चारों ओर से थोड़ा खोद लेना है और उसको मतलब जैसे मतलब मिट्टी के हांडी को न स्पर्श करे इस भाव से थोड़ा 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 करके खोद लेना है। क्योंकि मैंने एक बार मतलब बनाया था थोड़ी मात्रा में 15 लीटर, तो मैंने ऊपर का जो हांडी का ऊपर का जो होता है ना पकड़ने का जैसा मतलब जो भी है सलाई जैसा, तो मैंने उसको जैसे ही पकड़ा तो मतलब ऊपर तो उठा, बाद में क्या हुआ वो हंडी टूट गई बीच में से, तो सारा का सारा जो मतलब मेरा जो परिश्रम है वो सब बेकार चला गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी मतलब हंडी तोड़ने से पहले मैंने बाद में फिर क्या किया, उसके चारों ओर मैंने मतलब थोड़ा मिट्टी खोद लिया और उसके बाद में मतलब उसको नीचे से ही मतलब पकड़ के ऊपर मतलब लेके आया। तो ये मतलब बहुत सरल रहता है और क्या होता है निरापद रहता है। नहीं तो फिर उसको पकड़ के ऊपर उठाएंगे ना तो थोड़ा सा आप मतलब हिले डुले जो भी है वो सारा का सारा आपका जो मतलब जो मेहनत है वो सारा मतलब जो है नष्ट हो जाता है। इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जैसे मतलब वैसे मतलब करेंगे ना तो आपका एक बूंद तेल मतलब एक बूंद भी तेल जो है वो नष्ट नहीं होगा। तो जो भी है वैसा मतलब हमने क्या किया उसको निकाल दिया, फिर उसको क्या करना है उसको छान लेना है किसी दूसरे बर्तन में हमें छान लेना है। और ये आपका बन करके तैयार हो गया एलाव तेल लिया तो अलाव तेल लिया तो अपा अलम्बू तेल लिया तो अलम्बू तेल जो भी मतलब उसका नाम है ऐसा उसके लिए ऐसा नाम है। जैसे मतलब मैंने पहले कहा कि सब इसका पहला घटक जो है मतलब इंग्रेडिएंट है वो एला है, एला यानी कि जो इलायची है, इलायची को संस्कृत में एला इलाई इली अलाऊ अलम्बो ये मतलब ऐसे बहुत से प्रकार के मतलब उसके नाम बताए गए। तो मुख्य घटक जो क्योंकि इसमें मतलब इलायची है इसके लिए इलायची के नाम पर ही इसका मतलब तेल का नाम पड़ा है, ये ध्यान में रखिए। और आप मतलब समझ सकते हैं कि इसमें इलायची है, फिर मतलब चंदन है, केसर है, मुरामांसी है, जटामांसी है, कचूर है, कपूर मतलब ये फिर मतलब चीरपा पत्ते का रस या तो छिलका है, फिर उसमें मतलब भीमसेनी कपूर है, नागरमोथा है, नखी है, खटासी है, फिर मतलब उसमें मतलब उसीर है, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा जो है मतलब गंध द्रव्य यानी कि मतलब सुगंधित द्रव्य से मतलब ये औषधि मतलब बन करके तैयार होता है। तो इसको मतलब जब मतलब हम अपने शरीर में मतलब सर में मालिश करते हैं तो अजीब सा हमें मतलब सुगंध आने लगती है, ऐसा लगता है कि मैं मतलब धरती पर नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे मतलब लोक में हूँ, मैं दूसरे दुनिया में हूँ या तो फिर मतलब मैं स्वर्ग में आया हूँ, ऐसा मतलब अनुभव हो जाता है, आभास हो जाता है। फिर मतलब क्या कर मतलब मैंने मतलब जितने लोगों को मतलब मैंने प्रयोग किया मुझे उसमें तो परिणाम मिले। क्या मतलब क्या क्या मतलब मैंने प्रयोग किया है वो मैं आप लोगों को अभी मैं मतलब साझा करता हूँ। तो ये मतलब आपका बन करके तैयार हो गया अलाव तेल, इसको छोटे छोटे मतलब शीशे में आपको भर के रखना है। जब भी मतलब हमें प्रयोग करना है तो इसको मतलब दोपहर के बाद में हमें प्रयोग करना है, क्योंकि कोई भी मतलब जो औषधीय तेल होता है इनको मतलब अपराह्न से पूर्व और दोपहर में इसको मतलब मालिश करने के लिए मना किया गया, निषेध मतलब वर्णन किया गया, ये मतलब वर्जन किया गया है। तो इसके लिए मतलब वहां पे क्या करना है कि आपको मतलब दोपहर के बाद में मतलब अपराह्न या तो अपराह्न के बाद में हम इसका मसाज मालिश कर सकते हैं सर में। ये मतलब हो गया इसका मतलब पहला विधि। दूसरा विधि ऐसा है कि मैंने उस समय जिन जिन लोगों को मतलब तेल दिया था अभी वो लोग मतलब बोल रहे हैं कि अभी आप मतलब वो तेल क्यों नहीं बनाते, अभी मतलब मैं उन लोगों को क्या बताऊं कि अभी मतलब मेरे पास समय का अभाव है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं आप मतलब क्या करिए आप लोग अपने अपने नजदीकी वैद्य से मिलिए और ये तेल बनाइए, फिर मुझे मतलब आप बताइए कि इसका मतलब क्या परिणाम मिला। ये तो हो गया आपको बनाने की विधि मैंने बता दिया, अब इसको किस किस रोगों में किन किन मतलब अवस्थाओं में परिस्थितियों में किन किन रोगियों के ऊपर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और हमें मतलब क्या क्या परिणाम मिलता है और कितने दिनों में क्या परिणाम मिलता है, अब मैं आप लोगों को इसका सहानुभूत मतलब प्रयोग बता रहा। जिनको मतलब बिल्कुल नींद नींद नहीं आती है, भले मतलब आपका मतलब लो बीपी है, हाई बीपी है, या तो फिर मतलब सर में दर्द है, या तो फिर मतलब अनिद्रा है, या तो फिर मतलब आपको मतलब कोई चिंता है,
या तो फिर आप मतलब डर के मारे आपका मतलब नींद उड़ गई है, या तो फिर कोई आपको मतलब मारने के लिए आ रहा है, या तो आपका मतलब आप कोई महिला है तो आपका मतलब इज्जत लूटने के लिए मतलब बलात्कार करने के लिए किसी ने धमकी दे दिया, क्योंकि आजकल ऐसे धमकियां बहुत मिल रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब महिलाओं का जो है नींद उड़ जाती है, उनको नींद नहीं आती, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती डर के मारे। तो यदि मतलब ऐसा ये सब मतलब हुआ है तो आपको मतलब ये तेल का मतलब प्रयोग करना चाहिए, और ये मतलब जिस दिन आपने प्रयोग किया उसी दिन आपको परिणाम मिलता है, क्योंकि इसका हमने मतलब 30 दिन का जो संधान किया है उससे ये तेल इतना शीतल हो जाता है। शीतल होने के मतलब अर्थ ये है कि इसको मतलब भूमि में मतलब गाड़ दिया जाता है, और नीचे जो है कीचड़ होता है, फिर उसके ऊपर मतलब मिट्टी ढक दी जाती है, और मतलब पूरा 30 दिन तक उसको मतलब गीला रखा जाता है, पानी डाला जाता है। तो इससे मतलब क्या होता है, वो जो तेल है वो तेल एकदम मतलब शीतल हो जाता है, मतलब पूरा एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसको मतलब जिनको सर में गर्मी है, या तो फिर आंखों में मतलब जलन है, सर में जलन है, या तो फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि सर में से मतलब दाह हो रही है, जलन हो रही है, या तो फिर आग की लपटें निकल रही है, ऐसा मतलब अनुभव लगता है, तो ऐसे अनुभव में मतलब क्या करना है, ये तेल को हल्का सा मालिश करना है, और हल्का सा मालिश करिए। मैंने जिन जिन लोगों को ये मतलब तेल मतलब प्रयोग करने के लिए दिया है, केवल आधे घंटे में ही इसका मतलब परिणाम मतलब देखने को मिला है। वो लोग बोलते हैं कि हमको इतना नींद आया कि पूछे मत। मतलब जिन लोगों को उलोपैथी का मतलब मेडिसिन दवाई खाने के बाद में लगभग मतलब 2 घंटे या 3 घंटे बड़े मुश्किल से नींद आते थे, उनको जब मतलब ये अलाव तेल मतलब मैंने उनको केवल ये बोल के दिया कि मेरे पास ये तेल है, मैंने बनाया है, अभी तुम लेके इसको मतलब प्रयोग करो। मैं इसको हर किसी को मतलब बोलता था, यदि मतलब कोई मुझे बोलता था मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे पास कुछ है क्या, तो बोलता था मैंने एक बनाया है और तुम इसको लेके मतलब परीक्षा करो और मुझे बताओ। मतलब ये ऐसा हर रोगी को ऐसा बताना है, और किसी रोगी के सामने ऐसा नहीं बताना है मतलब बड़ाई करके, अपनी बड़ाई करके मैंने ऐसा दिया है ऐसा दिया है तो सबको परिणाम मिला है, तुमको भी ऐसा परिणाम मिलेगा, ऐसा नहीं बताना है। मैं तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को भरोसा हो, विश्वास हो, और आप इसका मतलब निर्माण करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि मतलब मेरे पास कोई रोगी आके ऐसा बताते ना कि मुझे इतने सालों से नींद नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आपके पास ऐसा कुछ है क्या, तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ नहीं ऐसा मतलब मुझे तो मैं नहीं मालूम, परंतु मैंने एक तेल बनाया है, हो सकता है आपके लिए वो कामगर मतलब कारगर मतलब साबित हो, आप इसका लेके प्रयोग करिए और फिर मुझे बताइए। तो इसको जैसे ही लेके वो मतलब सर में मालिश करते हैं, और कितना मालिश करना है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक मालिश करनी है। तो इतना मालिश करने के बाद में लगभग आधा घंटे के बाद में उनको ऐसा धीरे 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 नींद आ जाता है, और वो जो सोते हैं सो जाते हैं, तो फिर उनको लगभग 6-7 घंटे तक उनकी आंख खुलती नहीं है, मतलब इतना बढ़िया नींद आती है, गहरी नींद आती है। और मतलब जब मतलब नींद टूट जाता है तो उनका मतलब देखेंगे कि मन एकदम शांत, उनका दिमाग एकदम मतलब स्थिर है, उनका जो हृदय का जो मतलब धक 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 धड़कना होता है वो धड़कना भी बंद हो जाता है। कभी कभी मतलब मुझे एक रोगी आया था जिनको 14 साल से उनको बिल्कुल नींद नहीं हुई थी। मतलब ये जो रोगी है हमारे यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर से, नहीं 600 नहीं 550 किलोमीटर दूर होगा, यहाँ से मतलब रोगी आई थी। तो बोले कि मतलब मैं आपका मतलब नाम सुन के आया हूँ और मुझे 14 साल से मैं सोई नहीं हूँ। वो लेडीज थी, तो मुझे आश्चर्य लगा रहे 14 साल से कोई बिना सोए कैसे रह सकता है। ये तो हमने सुना है रामायण में कि लक्ष्मण जो है इंद्रजीत का वध करने के लिए 14 साल सोए नहीं थे, खाए नहीं थे, पिए नहीं थे, और ये 14 साल से सोए नहीं, मतलब इन्होंने कलयुग में लक्ष्मण जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने अपने मनोमन उसको मतलब बोला, फिर उनको बोला कि आपने तो लक्ष्मण जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोले कौन लक्ष्मण? बोला त्रेता युग में तो लक्ष्मण मतलब स्वयं मतलब अनंत जी जो शेषनाग है वो अवतार थे, उन्होंने 14 साल तक खाया पिया नहीं था, सोया नहीं था। आप तो कलयुग में मतलब प्राणी है, मनुष्य, आपने तो लक्ष्मण जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपको तो मतलब सरकार को बोल करके कोई पुरस्कार देना चाहिए। इतना बोलने के बाद में फिर वो हंसने लगी। तो क्योंकि मतलब रोगी को हंसाना पड़ता है कभी कभी, जैसे कोई मतलब आपके मतलब मतलब ऐसा मतलब परिहास मतलब थोड़ा कुछ बोलना पड़ता है जिससे मतलब रोगी हंसने लगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है आनंद रोगनाशनम विषाद रोगवर्धनम। मतलब जो रोगी को मतलब वैद्य के पास आने से यदि खुशी मिलती है, वैद्य से बातचीत करने से यदि मतलब वो खुश होते हैं, तो मान लीजिए समझ लीजिए कि उसका 50% जो है मतलब आधा जो मतलब रोग है वो ऐसे ही मतलब उसके बातचीत से ठीक हो गया। इसलिए वैद्यों को क्या करना है, थोड़ा मतलब हंसी मजाक कर लेना चाहिए रोगियों के साथ में, और उनके मतलब हालचाल मतलब समझना चाहिए, पूछना चाहिए। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चरक सिंधा में आचार्य चरक जी ही कह रहे हैं कि मतलब रोगी के साथ में आपको मतलब हास्य परिहास्य, क्योंकि उनको खुश करना है, हमें मतलब उनको मतलब हंसाना है,
हंसाते हुए मतलब ऐसा बातचीत करेंगे कि उसका मतलब एकदम मतलब मन जो है शांत हो जाएगा। फिर हम मतलब हम उसका प्रयोग करते हैं, करने के लिए देते हैं औषधि, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे भी मतलब जब मैंने उनको कहा कि आप मतलब लक्ष्मण जी का रिकॉर्ड तो दिया, तो हंसने लगी, खुश होने लगी। फिर मैंने बोला उनको कि आप एक काम करिए, ये जो तेल है मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनको बोल दिया मैंने एक तेल बनाया है, शायद आपके लिए मतलब कोई काम आ जाए, आप एक काम करिए ये तेल लीजिए। और उन्होंने बोला कि मतलब मैं ऐसे तो बहुत सारे मतलब तेल, ब्राह्मी तेल, आंवला तेल, भृंगराज तेल, शंख पुष्पी तेल, बहुत सारे मतलब तेल मैंने मतलब मालिश किया, शिरोधारा भी किया, परंतु मुझे परिणाम नहीं मिला। बोला अच्छा इसको आप प्रयोग करिए फिर मुझे बताइएगा। तो मैंने उनको दे दिया और कोई दवाई नहीं दी, केवल यही तेल मतलब उनको दे करके मतलब मैंने भेज दिया। फिर उनका मतलब जिस दिन मतलब उन्होंने गए उसके 2 दिन के बाद में उनका फोन आया, बोले कि आपने जो मतलब क्या तेल दिया, अभी तो मतलब मैं जब से मतलब तेल की मालिश कर रही हूँ, किया हूँ, तब से खाली मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, खाली मैं सो रही हूँ, मुझे इतना अच्छा नींद आ रहा है, और एकदम मतलब मन हल्का हो गया है, मेरा हृदय भी मतलब एकदम हल्का हो गया, शांत हो गया, मन स्थिर हो गया। ये होती है आयुर्वेद की मतलब चमत्कार, मतलब दवा, मतलब विश्वास करिए और इसका मतलब प्रयोग करिए, मतलब इसको बनाइए अपने घर में, क्योंकि बनाने का जो सूत्र है, जो तैली शैली है, क्या क्या घटक द्रव्य है, मैंने आप लोगों के सामने उपस्थापना कर दिया है, तो आप इसका मतलब नोट बनाइए और इसको अपने घर में बनाइए, बना करके मतलब आप भी अपने घर में प्रयोग करिए, और आपके आसपास जितने सारे क्षेत्र है, मैंने जैसे मतलब कहा है कि आपको वैद्य बनना है और अपने आसपास जितने सारे रोगियों को ठीक करना है, तो एक एक प्रयोग में 20-20 में हर महीने में एक एक प्रयोग में आप लोगों को ऐसे बताता रहूंगा, और आप बनाते रहेंगे और सबको देते रहेंगे, जिससे कि मतलब आपके क्षेत्र में आपका मतलब नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, ख्याति होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और पैसा की चिंता मत करिए, आप जब मतलब रोगियों को ठीक करेंगे ना, तो पैसा अपने आप में आ जाएगा, उसके लिए मतलब चिंता नहीं करना है। हाँ, परंतु एक ध्यान मतलब रखना है, किसी को हमें ठगना नहीं है, किसी को लूटना नहीं है। जैसे मतलब आयुर्वेद के नाम से आजकल बहुत सारे लोग ठग रहे हैं, मतलब दवाई बनाते हैं, मतलब उसका दवाई का खर्चा होता है 5 रुपया, परंतु वो बेचते हैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, परंतु मतलब समझने वाले समझ जाते हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। तो जो भी है हमें ऐसा नहीं करना है, मतलब ये ऐसा भी मतलब यदि करेंगे ना, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो चरक जी है, सोसो जी है, धन्वंतरि जी है, वो आपके ऊपर रुष्ट हो जाएंगे, फिर आपकी जो दिव्य शक्ति है वो दिव्य शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर आपका मतलब औषधि जो तो काम करने का जो शक्ति है वो फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। यदि आपको मतलब मुझे प्रमाण चाहिए तो आप देखिए वाल्मीकि रामायण में, लंका कांड में, युद्ध कांड में, मतलब वहां पे बताया है कि कैसे मतलब औषधि दिव्य शक्ति युक्त रहता है और वो दिव्य शक्ति का मतलब कैसे नष्ट हो जाता है, उसमें साफ साफ शब्दों में मतलब सुसेन जी ने हनुमान जी को कहा है। इसके लिए हमें मतलब दिव्यता से भी परिपूर्ण होना है। तो अनुभव तो बहुत सारे थे, आप इसको मतलब किन किन रोगों में प्रयोग करना है मैं बता देता हूँ, कि मैं पूरा मतलब हिस्ट्री कहानी आपको बताऊंगा ना, तो इसके लिए 2 घंटा लग जाएगा, तो मैं केवल आपको मतलब किन किन रोगों में कैसे प्रयोग करना है मैं उतना बता देता हूँ। जिनको अपस्मार रहता है, मतलब फेड्स होता है, जो एपिलेप्सी बोलते हैं, आप उसमें ये तेल की मालिश करिए, क्योंकि अपस्मार रोग में नींद की बहुत कमी होती है, तो जैसे ही मतलब उनको नींद हो रहेगा तो मन स्थिर हो जाएगा, हृदय स्थिर हो जाएगा, तो उनको फिर मतलब आपको मतलब कोई समस्या नहीं होगी। ठीक उसी तरह जिनको मतलब उन्माद रोग होता है, जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं, तो मतलब चाहे वो पुरुष हो या तो स्त्री हो, जो भी हो, तो उसमें भी मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो ये सारे के सारे मतलब लक्षणों के, फिर आप औषधि भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये तेल उनको मालिश करने के लिए दीजिए, और अपराह्न काल में मतलब मालिश करना है। अब अपराह्न काल क्या होता है कि दिन का सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो भी मतलब है उसको मतलब जो समय है, चाहे 12 घंटा, 13 घंटा, 12.5 घंटा, जो भी है वो उसको मतलब लेना है, और उसको 4 भाग में भाग देना है। जो पहला जो भाग है वो पूर्वाह्न होगा, दूसरा जो भाग है वो मध्यान्ह हुआ, जो तीसरा भाग है वो अपराह्न हुआ, और चौथा जो है वो सायान्ह हुआ। तो ऐसे अन्न अन्न करके चतुरान्न ऐसा मतलब कहा है। तो अपराह्न काल में इसके तेल की मालिश करनी है, तो अपस्मार रोग में काम करता है। जिनको मतलब आधा सीसी है, सर में दर्द है, जिनको बोलते हैं माइग्रेन है, मेरा इतने सालों से माइग्रेन है, आप उसमें मतलब ये प्रयोग करिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह जिनको मतलब कुछ भी मतलब सूंघने का मतलब ये जो शक्ति शक्ति आघ्राण करने की शक्ति वो नष्ट प्राय सा हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनको कान में कोई दर्द होता है, या तो सी सी घी घी साउंड होता है, मतलब ऐसा आवाज आता है कान में, बहुत सारा मतलब साउ 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 ऐसा साउंड होता है, आवाज आती है, उसमें भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब जीवा गला मुख जो है सूख जाता है, फिर मतलब मुंह सूख जाता है, आंखों में से मतलब
आंसू बार बार अधिक मात्रा में निकलने लगते, या तो फिर आंख मतलब बिल्कुल सूख गया है, या तो रेटिना जिनका मतलब सूख गया है, बोलते हैं ना कि मेरा रेटिना का जो मतलब रूट है वो मतलब ड्राई हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप इसका मतलब जब तेल की मालिश करेंगे तो भी आपको मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और परंतु उसके साथ में आपको तरुण वसंत रस जो है आधा आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट में सेवन करना है, ये भी ध्यान में रखना है। केवल तेल की मालिश करने से नहीं होगा गंभीर रोगों में, परंतु ये क्या करता है, ये सर को ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह जिनको गले में दर्द रहता है, नाक में दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है, या तो जलन रहता है, और फिर मतलब जिनको आधा शीशे की समस्या रहती है, गले में जलन होती है, या तो सीने में जलन होता है, कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब हम जब मतलब अधिक चिंतित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, फिर उसके बाद में हमारा क्या होता है, अजीर्ण रोग, अजीर्ण अग्निमंद हो जाता है, फिर हम मतलब बहुत ज्यादा चिंता करने लगे, फिर रात को नींद नहीं आया, फिर क्या हुआ, सुबह में हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो ये मन को शांत करने के लिए मतलब जो जिन लोगों को मतलब जो क्या करते हैं आजकल, मतलब जो पढ़ाई करते हैं तो सब भूल जाते हैं, मतलब उस समय पढ़ाई करते हैं उस समय पूछेंगे तो सब बता देंगे, परंतु जैसे ही मतलब एक दिन गया दूसरा दिन गया तो या तो कुछ दिन गया तो उसको पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो यदि अपनी मतलब स्मृति शक्ति बढ़ाना है तो इसमें मतलब क्या करना है, इसमें ये जो मतलब मालकांगनी का जो तेल होता है, मालकांगनी का तेल भी इसमें मतलब मिला देना है। मतलब कितनी मात्रा में मिलाना है, जब हमने मतलब तेल इसका जब बन करके तैयार हो गया, जितना तेल मतलब बना है उतनी मतलब मात्रा में आपको क्या करना है, मलकंगनी का तेल भी मतलब मिला सकते हैं, तो स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब उसमें मलकंगनी का तेल मिलाने के बाद में फिर इलायची का बीज से जो जो मतलब मिट्टी के बर्तन में रख छोड़ना है, इलायची के बीज से लेकर के जीरा तक जो भी मतलब द्रव्य है फिर उसमें मतलब ढाल के हमें छोड़ देना है, तो ये स्मृति शक्ति को भी बढ़ा देता है। और मतलब जो बच्चे जो चिड़चिड़ापन होते हैं, या तो जिनको मतलब हाई बीपी मतलब बना रहता है, या तो फिर मतलब जिनके पूरे शरीर में दर्द रहता है, या तो फिर मतलब जिनको ग्रहणी रोग हो गया है, या तो जिनका मतलब पूरे शरीर में गर्मी रहता है, हेमोग्लोबिन की कमी रहती है, या तो पांडु रोग हो गया है, या तो फिर मतलब गर्भिणी स्त्री है, तो उनको मतलब ये मन में रहता है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं, क्योंकि आजकल मतलब सब मतलब ऑपरेशन होता है, तो सबको मतलब सब बहनों को माताओं को मतलब ये डर बना रहता है, तो डर बना रहता है तो पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ता है तो फिर रक्त की कमी दम का मतलब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, घट जाती है। इसके लिए हमें मतलब क्या करना है, मन को स्थिर रखना है। तो ये अलावो तेल की जब मतलब मालिश करेंगे, अलावो अलावो या एलाम्बो एलावो जो भी मतलब है, इसका जब हम मालिश करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। आप यूं मतलब सोचिए, इसका मतलब अर्थ ऐसा निकालना है कि सर में मतलब जो भी है, मतलब जैसे मतलब हम लोग मतलब पेड़ पौधे को मतलब पानी डालते हैं तो कहाँ डालते हैं, जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे मतलब पेड़ पौधे को पानी प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम मतलब सर में मालिश करेंगे तो हमारे पूरे शरीर में जो मतलब 3.5 करोड़ मतलब सिराए हैं, 3.5 करोड़ प्रसिराए हैं, वो सबको मतलब 14 करोड़ मतलब जो होती है वो 14 करोड़ों को मतलब सिरा प्रसिरा धमनी स्नायु नाड़ी मतलब 17.5 करोड़ हो गया, उन सबको ये बल देता है। इसके लिए आप इसका मतलब बेझिझक भाव से मतलब इसको प्रयोग करिए, निर्द्वंद से निसंकोच भाव से मतलब प्रयोग करिए, फिर इसका मतलब बनाइए। और जैसा बनाने का विधि मैंने बताया, नारियल का तेल मतलब अपने घर में बनाना है, किसी बाजार से नहीं खरीदना है, ना ही मिलिंग करनी है, और ना ही मतलब ऐसा फ्रिज में रख करके उसको पिघला करके ऐसा ऐसा नहीं करना है। जैसे मतलब मैंने बताया उसी विधि से करेंगे तो ही आपको परिणाम ही मिलेगा, नहीं तो फिर आपको बोलेंगे कि मतलब हमको सत्यवान जी ने बोला हमारा इतना सारा, क्योंकि मतलब ये बहुत महंगी आती है, क्योंकि इसका जो 50 ml है वो 500 रुपये में आती है, क्योंकि मैं इसका मतलब बहुत खर्चा आता है, इसका मतलब मैं अभी लगभग 4 साल से बनाया नहीं हूँ मतलब समय के अभाव से, इसलिए आप लोग मतलब इसका बनाइए, और थोड़ी मात्रा में मतलब इसको प्रतिदिन मतलब मालिश नहीं करना है, मतलब मान लीजिए कि आज आपने मालिश कर लिया तो 3-4 दिन तक मालिश करने की आवश्यकता नहीं होती, इतना प्रबल नींद आती है, फिर 3-4 दिन के बाद में या तो 1 सप्ताह के बाद में फिर से थोड़ा मालिश कर लिया तो इतना बहुत अच्छा सा नींद आती है कि पूछे मत। तो इसको लगभग 1 महीना 2 महीना ऐसा करने से फिर वो स्थायी परिणाम मिल जाता है। आप चाहे तो इसको मतलब आप सदा मतलब इसकी मालिश कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका स्नायु सिरा प्रसिरा धमनी सबको बल मिलेगा, नाड़ियों को बल मिलेगा, आपके बालों को बल मिलेगा, मस्तिष्क को बल मिलेगा, फिर आपका ब्रेन ट्यूमर कभी नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालिसिस कभी मतलब होगा नहीं, क्योंकि ब्रेन का मतलब हेमरेज होता है या तो ब्रेन ब्लॉकेज होता है तभी ना मतलब आपको पैरालिसिस होता है। तो ये ब्रेन को मतलब पूरे मस्तिष्क को पूरे सिर के जितने सारे मतलब रोग है उस सभी रोगों में ये मतलब बहुत अच्छा परिणाम देता है। और इसको प्रतिदिन मतलब यदि मतलब सप्ताह में 2 दिन मालिश करते रहने से ये क्या करता है, बालों को कभी पकने नहीं देता, मतलब सफेद नहीं होता है, ये बालों को काले बनाए रखता है। इसके लिए
और ऐसा कहा गया है यदि किसी ने मतलब इसको 12 साल तक यदि प्रयोग करता रहा, हफ्ते में 2 दिन ऐसा करके 12 साल तक प्रयोग करता रहा, तो वो श्रुतिधर हो जाएगा। मतलब जो एक बार सुना तो उसका मतलब मन में पूरा एकदम मतलब घर कर गया, मतलब बस गया, सेविंग हो गया। तो इतना बहुत अच्छा मतलब परिणाम वाला होता है ये अलाव तेल। इसके लिए आप इसका मतलब बनाइए, यदि आप नहीं बना सकते हो तो आप अपने नजदीकी वैद्य से जाइए, मिलिए, उनको बोलिए कि आप इसको बना के दीजिए। परंतु ध्यान रखिए, किसी को लूटना नहीं है, किसी को ठगना नहीं है। ये हमारे मतलब भारतीय संस्कृति का जो ऋषियों का धरोहर है, संस्कृति है, तो हमें मतलब किसी को ठगना नहीं है। सबको मतलब जगत में मतलब लेके आना है और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। आयुर्वेद का ध्वजा मतलब हमें यश मतलब प्राप्ति करनी है, ध्वजा फहराना है। बस मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ, क्योंकि 8:51 हो गए, फिर मतलब 9 बजे तक फिर आपका मतलब बहुत सारा प्रश्न रुक जाता है। तो आपका मन में कोई प्रश्न हो, शंका हो तो पूछ सकते हैं। वंदे मातरम। क्या किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है आज? वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वैद्य जी, आजकल एक आम बात आप कई बारी बताते हो, तो उसका किस वजह से होता है? हमें क्या करना चाहिए? क्या लक्षण होते हैं उसके? देखिए, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि आम बनता क्यों है। आम ऐसा बनता है कि मतलब ऐसा कहा गया है कि वसंत ऋतु में जिन्होंने वमन नहीं करवाया, और शरद ऋतु में जिन्होंने ये वर्षा ऋतु में जिन्होंने वमन विरेचन और वस्ते नहीं किया, मस्ते नहीं दिया, और जिन्होंने शरद ऋतु में विरेचन नहीं करवाया, और शिशिर ऋतु में जिन्होंने स्नेहन स्वेदन नहीं करवाया और नस्य नहीं दिया, तो उनको मतलब आम बनने की मतलब पूरा संभावना रहती है। ये ध्यान में रखिए, ये जी तो हो गया इसका कारण। अब ये जी आम बनता कैसे? तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा मतलब, क्योंकि ऋतु जब मतलब परिवर्तन होता है तो हमारा अग्नि भी उसमें परिवर्तन मतलब अग्नि प्रभावित होती है। अग्नि यानी कि मतलब मान लीजिए कि सूर्य, जैसे मतलब वर्षा जी ऋतु होती है तो सूर्य प्रभावित होते हैं कि नहीं? हमें तो सूर्य जी भगवान दिखाई नहीं देते, भले हमें मतलब रोशनी उज्जला प्रकाश दिखाई देता है, परंतु सूर्य भगवान कहाँ दिखाई देते हैं? परंतु गर्मी ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो बड़ा प्रचंड गर्मी है कि हम संभाल नहीं पाते, एक मतलब एक क्षण ठहर नहीं सकते। बसंत ऋतु में भी वैसा ही है, परंतु शरद ऋतु में भी मतलब उससे भी अधिक मतलब गर्मी लगता है। परंतु जैसे ही हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु आती है, हमें मतलब घर में रहना अच्छा नहीं लगता, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के किरणों का हमें मतलब आतप सेवन करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मतलब ऋतु के आधार पर ये मतलब ये अग्नि यानी कि सूर्य देवता मतलब प्रभावित होते हैं, तो हमारे शरीर में जो मतलब अग्नि है वो क्यों प्रभावित नहीं होगा? वो भी प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा मतलब प्रभावित होता है जिससे कि मतलब क्या होता है, दूषित पित्त बनने लगता है, या तो फिर अग्निमंद हो जाता है, तो फिर हमारा कफ बनने लगता है, कफ बनने लगता है, फिर वो संचित होने लगता है, तो संचित होने लगता है तो फिर वो दूषित हो जाता है। क्योंकि जब मतलब पानी, ऐसा कहा जाता है कि वारी वेगेन शुद्धति, मतलब वारी यानी कि पानी, पानी की धारा जितना मतलब वेग वेग होगा, मतलब उसका जितना स्पीड होगा वो उतना विशुद्ध माना जाएगा। यदि वो एक जगह ठहर जाता है तो फिर वो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि टंकी का पानी वो अशुद्ध है, क्योंकि एक जगह वो जमा रहता है, फिर हमें मतलब जी नली के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो अशुद्ध है, इसलिए उसको नहीं पीना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी है, तो इसके लिए मतलब पहले क्या करते थे, कुएं से लेके आते थे पानी, नदी के जल से मतलब ला करके खाना बनाते थे, नहाते थे, वो सब इसके लिए करते थे, क्योंकि वो प्रवाहमान रहता है। तो हमारा शरीर में भी जब मतलब कफ जम जाता है तो क्या होता है, वो दूषित हो जाता है, जैसे पानी मतलब मैल हो जाता है, गंदा हो जाता है, बदबू दुर्गंध आने लगती है, तो हमारा शरीर में वहां से दुर्गंध आना तो पता नहीं चलता है, परंतु हमें मतलब पता चलता है मल के द्वारा, परंतु हम ध्यान नहीं देते, तो दूषित कफ जब बन जाता है, फिर ये दूषित मतलब पित्त वहां पे मिलता है, तब जाके धीरे धीरे हमारे शरीर में आम बनने लगता है। आम बनता है परंतु आम हम निकाल नहीं रहे, क्योंकि आम निकालने का एक ही रास्ता है, विरेचन करना, और हम विरेचन की मतलब कोई प्रयोग करते ही नहीं है, वस्ते का प्रयोग हम करते ही नहीं है। इसके लिए वहां पे आम जमा जी हुआ, आम जमा होकर फिर संचित होने लगा, फिर वो कुपित होने लगा, कुपित होता है तो फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, वायु को अवरुद्ध कर देता है, जहां जहां अवरुद्ध करता है वहां वहां दर्द होने लगता है। फिर ठीक है जी, हमें क्या ये होता करना है आम चाहिए? का। आपको क्या करना चाहिए, मैंने आप लोग बताया तो था कल कि आपको सबसे पहले आम होता है तो विरेचन देना चाहिए, दीपन पाचन का मतलब चूर्ण का जो मैंने बताया उसका सेवन करना चाहिए, फिर आपको क्या करना है, आम पाचक चूर्ण है, आम पाचक वटी है, आम पाचक मतलब रस है, उसका मतलब सेवन करना चाहिए, या तो आम आम प्रमाथिनी रस है, आम गजेंद्र सिंह है, आम गज केसरी रस है। तो ये से मतलब आयुर्वेद के बहुत सारे औषधियां है, आप अपने क्षेत्र में जो सुलभता से मतलब सुविधा से मिले
उसका आपको मतलब सेवन करना चाहिए, जिससे मतलब क्या होगा आपका जो आम है वो धीरे 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 पचन हो जाएगा, क्योंकि आम को पचाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने विरेचन करने के लिए औषधि दे दी, ऐसा नहीं है, पहले आम को पचाना है फिर उसके बाद में विरेचन करना है। आम को बिना पचाए यदि विरेचन का दवाई आप खाते हैं तो आपके पेट में दर्द होगा, ये ध्यान में रखना है, या तो फिर नाभि खिसक सकती है, नाभि टल सकती है, इसके लिए पहले आम का पचन करना है उसके बाद में विरेचन का औषधि सेवन करना है। ये होता है आयुर्वेद के जी मतलब फॉर्मूला मतलब पद्धति। जी जी धन्यवाद। जैसे मैं बैठती हूँ तो वैद्य जी मेरे वैसे दर्द नहीं होते गोड़े, लेकिन जब मैं बैठ के खड़ी होती हूँ जब गोड़ों में दर्द होता है, तो क्या मुझे आम बात है? जी, आप अपने किसी नजदीक मतलब वैद्य से मिलिए, वो आपको नाड़ी दे करके बताएंगे और अच्छे से आपको मतलब औषधि भी देंगे। वैद्य जी सच बताएं, यहाँ पर कोई अच्छे से हमें मिला ही नहीं, और मिलते हैं वो लोग जितना ध्यान भी नहीं देते, जैसे ना जैसे आप इतने अच्छे से डीप बताते हो या आप लक्षण वगैरह जो भी, वो तो चुपचाप दवाई लिख देते हैं और उनके कुछ बताते नहीं, इसलिए फिर हमारा मन भी नहीं करता आपको छोड़ के किसी वैद्य के पास जाएं। तो वैद्य ऐसा जी इस आप ही हमें ऐसा मार्गदर्शन दो। हाँ जी जी ऐसा ऐसा जो आप बता रहे हैं ना कि कोई वैद्य आपको ठीक से बताता नहीं है, मतलब मेरे पास भी मतलब कभी कभी ऐसे कोई कोई रोगी आ जाते हैं, मैं भी उनको ठीक जी से बताता नहीं हूँ। ऐसा इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि जी एक तो होता है कि मतलब एक तो समय का मतलब रहता है, समय का भाव हो या तो समय का अभाव पे और मतलब निर्भर रहता है। दूसरी बात है जी कि रोगी का आचरण कैसा है, रोगी का व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जब तक मतलब आप अपने क्षेत्र का कोई वैद्य को आप अपने परिवार का वैद्य मतलब फैमिली डॉक्टर नहीं बनाएंगे तो वो आपको मतलब पूरी बात कैसे बताएंगे, मुझे बताइए। जी जी आप अपने क्षेत्र में नजदीक जो वैद्य है आप उसको अपना परिवार का मतलब वैद्य बना लीजिए, कि हमारे घर में किसी को भी कुछ होगा तुम्हें मतलब आकर के मतलब उनकी चिकित्सा करनी है। पहले के जमाने में प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, गांव का जो नाई होता था ना, आप देखेंगे गांव में हाँ जाएंगे जी जो मतलब घर जी घर का जितना सब मेल कपड़ा है वो अलग सा धोबी होगा, वो आएगा लेके जी जाएगा तालाब में, वो मतलब साफ सफाई करके लेके आएगा मतलब उनको देगा। नाई होगा उनके घर में जितने सारे मतलब बाल काटने नाखून काटने वो सारा का सारा वो नाई आके मतलब घर में आके काटा के जाएगा। फिर मतलब जिनका घर में मतलब जितना सारा तेल चाहिए जो जो तेल चाहिए वो तेल वाला मतलब लाके उनको देता रहेगा। ठीक उसी तरह जो जो ग्वाला होते हैं उनके घर में दूध घी मक्खन या जो भी चाहिए तो वो सब मतलब वो लाके मतलब वो बनाते थे। मिठाई का मतलब वो सब मतलब अपने अपने क्षेत्र में एक एक मतलब उसका कुल होता था, एक वर्ण होती थी मतलब बराबर। तो परंतु जी आज मतलब जी वैद्य भी ऐसे होते थे, परंतु आजकल मतलब वो सारे के सारे रोजगार हमने मतलब व्यवस्था खत्म कर दी, उल्लूपैथी के पीछे चलने लगे सब, ऑनलाइन मतलब खरीदने लगे, तो आप लोगों को क्यों सहायता करेंगे, क्यों मतलब अर्थात खुल के बात बताएंगे। जी फिर सही हम बात है ना। इलाज कैसे करवाएं? हाँ जी जी, वो रिस्पॉन्स देते नहीं है, हम तो आपसे ही नहीं करवा देंगे, लेंगे, ठीक आप ही हमें बता देना। हाँ जी है, कल मुझे फोन करिए मैं आप लोगों आपको बता दूंगा। जी धन्यवाद। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। और ये जो मैंने अलाव तेल बताया है इसको बनाइए और इसका प्रयोग करिए। नमस्ते वैद्य जी, दांत में क्या काफी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या इलाज है? दांत जी, में प्रॉब्लम हो रही है, किसकी प्रॉब्लम, मैं समझ नहीं पा रहा। दांत में दर्द है। अच्छा दांत में दर्द है, अच्छा, दांत में दर्द है मतलब क्यों दर्द है, मतलब आपकी आयु कितनी है? 37 साल 37 साल है, अच्छा, तो मतलब दांत में कीड़े लगे हैं या तो दांत में मतलब कोई चोट लगी है या तो मतलब जी, कमजोर है, हिल रहे हैं। दांत में है ना काला काला दिख रहा है, जैसे लग रहा कीड़ा लगा जी हुआ है। अच्छा, ठीक है, आप एक काम करिए मतलब जो बाइबिडंग होता है ना, बाइबिडंग आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा, तो बाइबिडंग लेके आना है, कम से कम 50 ग्राम लेके आना है उसके बीज, परंतु फ्रेश वाला लेके आना, 2 साल 3 साल पुराना ऐसा नहीं लेके आना, उसको बोलिएगा मुझे फ्रेश वाला दीजिए। और आपको मतलब जो सूती कपड़ा होता है ना पीला रंग का सूती कपड़ा भी लगभग मतलब लेके आना है, कॉटन का ये लेके आना है, और बाइबिडंग का 50 ग्राम लेके आना है, और उनको 3 भाग में मतलब भाग देना है बराबर। और क्या करना है मतलब उसका मतलब 3 भाग में कर देंगे तो लगभग 15-16 ग्राम मतलब आ जाएगा एक भाग में, तो उसको जो सूती कपड़े में ढाल करके उसको लगभग मतलब 1 गिलास पानी में ले करके मतलब मिट्टी के मतलब कलश में या तो फिर मतलब तांबे के कलश में
तांबे के पात्र में, उसको मतलब उबालना है, धीमी आंच पर पकाना है, और वो मतलब जो बीड़न का जो मतलब आपने जो गोटली बनाई है पोटली, उसको उसी बीच में मतलब छोड़ देना है पानी में, और उसको धीमे आंच में पकाना है। इतना पकाना है कि वो सारा का जो मतलब पानी है वो उसमें पूरा मतलब उसमें पूरा अवशोषित हो जाए, मतलब वो मतलब बीडंग में मतलब वो पूरा मतलब सूख जाए पानी, और पानी सारा का सारा जैसे ही सूख जाएगा तो उसमें से मतलब निकाल देना है, और जो मतलब हल्का गुनगुना ही रहे उसको, मतलब जहां पे आपको दर्द या तो काला काला दिखाए तो इसका अर्थ है कि अंदर मतलब छोटे छोटे कीड़े हैं, ये ध्यान रखना है। तो उसको मतलब अपने दोनों दांतों के मतलब बीच में दबा करके, उस पोटली को दबा करके आपको रात भर सो जाना है, और सुबह में मतलब आप जब देखेंगे तो उसमें पीला पीला रंग का मतलब उसमें कीड़ा मतलब लगा होगा आप देखेंगे तो। ये हमने परीक्षित मतलब किया है, मतलब बहुत बार परीक्षित मतलब किया है, और उसका सच में हमें मतलब ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसा 3 दिन तक लगातार करना है, और 3 दिन तक क्या करना है आपको, नीम का पत्ता और हल्दी, कच्चा हल्दी, इसको पीस करके आमले जैसा मतलब एक साइज आकार का उसको मतलब गोली जैसा बना करके उसको निगल जाना है, और उसके बाद में थोड़ा सा मतलब शहद मतलब चाट लेना है, ऐसा करना है सुबह में खाली पेट में, और ये प्रयोग करना है रात को सोने से पहले। 3 दिन करिए, फिर आपका मतलब हमेशा के लिए ये जो समस्या है पूरा हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये जो बाइडम बताए हैं ये कहाँ मिलेगा? पंसारी के वहां मिल जाएगा, यहाँ तो उस तरह का दुकान है नहीं। जो जड़ी बूटी का दुकान होता है ना वहां पे मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, धन्यवाद। नमस्ते वैद्य जी। हाँ जी नमस्ते। ये आपने वमन विरेचन का बताया, ये सप्ताह में एक बार करना है या नित्य करना है? नहीं नहीं मैंने सप्ताह में थोड़ी बोला है, मैंने बोला बसंत ऋतु में वमन करना है, मैंने वसंत ऋतुचर्या में मैंने बताया भी था कि वमन कैसे करना है, अभी तो वमन नहीं करना है। तो बस, हाँ अभी वर्षा ऋतु है, वमन बस, विरेचन बस्ती, ये तीनों का कराना चाहिए, और ये वमन विरेचन तो बस्ती है ना, ये आप मतलब ना करके जो पंचकर्म कराते है कोई वैद्य आप उनसे करवाइए जी। तो बसंत ऋतु में ये नित्य करना चाहिए या कभी कभी? हफ्ते में एक बार करना चाहिए और 3 बार करना चाहिए। अच्छा जी, धन्यवाद। वंदे मातरम वैद्य जी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है जी? वंदे मातरम भैया। हाँ जी वंदे मातरम जी, कौन बोल रहे भैया, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी जी। आवाज जा रही है? हाँ जी बोलिए अब जी। भैया एक 2 साल का लड़का है। हाँ जी। और उसको फेफड़ा में है तो पानी जम गया और सांस, फेफड़ा में पानी जम गया है। हाँ जी जी, फेफड़ा में पानी हो गया है, पानी भर गया है। तो उसका रिपोर्ट भेजिए, रिपोर्ट भेजूंगा तो देखेंगे, फिर मतलब मैं बताऊंगा। उसकी जीभ की फोटो और उसका रिपोर्ट भेजिए, मतलब दोनों मिला करके मैं आपको बताऊंगा। और आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी मतलब औषधि है, मतलब बहुत अच्छी चिकित्सा है, चिंता ना करिए, ठीक हो जाएगा। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वैद्य जी वो गला बैठने का बताइए। हाँ जी, गला बैठने का, गला बैठने का या तो गला बैठ गया उसके लिए, मतलब गला बैठ गया है जी, 38 जी। मैं 2-3 उपाय आपको बताता हूँ, आप उसमें से कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा, आपको परिणाम मतलब लाभ मिलेगा। और जैसे बैठ जी। हाँ बोलिए। और जैसे थूक थूक निगल रहे हैं जी तो पेन हो रहा है जी 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 जी, बताइए ऐसा कब से हो रहा है? ये कल हुआ है, कल हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। आप मतलब ऐसा करिए कि मतलब एक औषधि आती है एलादी गुटी का, आप उसको मतलब धीरे 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 चूसिएगा, एलादी गुटी का करके औषधि आती है, और एक साथ में 2-2 गोली लेना है, और उसको हर एक घंटे में मतलब एक एक घंटे में आपको लेकर के उसको चूसते रहना है चॉकलेट की तरह, तो उससे भी ठीक हो जाता है। जी कहाँ मिलेगा जी, आप पहले सुन तो लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मतलब ये तो हो गया, यदि ये ना मिले तो दूसरी औषधि आती है कंठ सुधारक बटी, इसको भी मतलब बहुत छोटी छोटी गोली आती है, इसको भी आप अपने मतलब मुंह में रख करके चूस सकते हैं, तो ये भी मतलब हर एक घंटे में इसको लेते रहना है। फिर दूसरे और एक मतलब औषधि आती है जिसका नाम है खदिरादी बटी,
तो खदी राती बट्टी जो है इसको मुंह में रख के चूसना है, परंतु इसका मतलब एक शर्त है कि जो हमारा जो जीभ होती है जीभ के नीचे रख करके चूसना है, तो जाके इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है, नहीं तो फिर उतना फायदा नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे एक औषधि है उसका मतलब बोलते हैं कि मतलब उसको चित्रगादी बट्टी ऐसा कहा गया है, तो चित्रगादी बट्टी मतलब उसका जब हम प्रयोग करते हैं ऐसा ही मतलब जीभ के नीचे रखना है, तो उसमें भी हमें मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच, च्यवनप्राश 1 चम्मच, मधु 1 चम्मच, ये तीनों को मिला करके जब हम मतलब खाली पेट में सेवन करते हैं तो इससे भी सेवन करते हैं तो ठीक हो जाती है। या तो फिर आप मतलब एक काढ़ा आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अनंत मूल करके मतलब औषधि आती है वनस्पति, उसको लेना है लगभग मतलब 2 ग्राम। फिर गन्ने का जड़ आता है उसका 2 ग्राम लेना है, मुलेठी 2 ग्राम लेनी है, पिपल 1-2 ग्राम लेनी है। फिर मतलब मुनक्का जो आता है मुनक्का लेना है लगभग 5-6 लेनी है। बिदारी कंद का पाउडर लेना है 2 ग्राम। कायफल या तो कड़फल लेना है उसका मतलब 1 पीस लेनी है। फिर जो मतलब कंटकारी होती है जिसको रेंगने ये सब मतलब बोलते हैं उसको लेना है 2 ग्राम। ये सबको लेकर के 1 गिलास पानी में उबालना है, जब आधा गिलास बचे तो छान लेना है, और उसमें 2 चम्मच ठंडा होने के बाद में 2 चम्मच मधु मिलाना है, और मधु मिला करके फिर उसको धीरे 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 उसको मुंह में रखते धीरे 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 आपको मतलब उसको निगल जाना है। तो ऐसा मतलब करेंगे दिन में 3 बार काढ़ा पियेंगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा। या तो फिर हल्दी और फिटकरी, ये मतलब हल्दी का चूर्ण लीजिए 1 ग्राम, फिटकरी का मतलब भस्म स्फटिक भस्म मिलाइए 1 ग्राम, उसको शहद के साथ में भी मिला के लगाएंगे तो भी आपका गला ठीक हो जाएगा। या तो जो जो खाने का जो चूना होता है वो बाहर भी गले में लगाएंगे तो भी इससे ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारा प्रयोग है, आप कोई भी प्रयोग करिएगा आप अपने हिसाब से ठीक हो जाएगा। जी, ठीक है, धन्यवाद ठीक है जी। जी, धन्यवाद। राजी नमस्ते। राजी हाँ जी नमस्ते। आप जो आज आपका प्रश्न आखिरी रहेगा क्योंकि 9:07 हो गया है, तो बोलिए जल्दी बोलिए। वैसे आपने ये जो सीतोपलादी चूर्ण बोला अभी, इसके साथ च्यवनप्राश और शहद बोला लेने के लिए, तो ये खांसी जी कफ में तीनों चीजें ले सकते हैं या सिर्फ सीतोपलादी के साथ शहद भी ले सकते हैं? हाँ, सीतोपीलादी के साथ में शहद ले सकते हैं तो काम करता है, परंतु उसमें च्यवनप्राश मिलाने से क्या होता है उसका पोटेंसी बढ़ जाता है, उसका मतलब शक्ति बढ़ जाती है, इसके लिए च्यवनप्राश लेने के लिए बोला, और उसमें और कोई रहस्य नहीं है। जैसे अभी रिजल्ट बहुत अच्छा था, मम्मी को बहुत टाइम से बहुत खांसी और कफ था, तो किसी चीज से आराम नहीं पड़ रहा था। मेरे पास वह शादी गुटिका भी थी, सब चीजें थी होम्योपैथी, तो सिर्फ सीतोपलादी चूर्ण से और शहद से, और भैया ने एक काढ़ा बताया था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जी, तो इसीलिए आपसे पूछा कि च्यवनप्राश ऐड कर सकते हैं, मतलब गला तो नहीं खराब करता ना, जैसे खटास होती है। च्यवनप्राश कहाँ खट्टा होता है, च्यवनप्राश तो मतलब उसमें कसेला रस रहता है, कसेला मधुर रस रहता है, उसमें अम्ल रस नहीं है च्यवनप्राश में। यदि कोई कंपनी का च्यवनप्राश अम्ल रस है तो उसको सेवन मत करिए। जी जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी नमस्ते वैद्य जी। हेलो तो, भैया जी नमस्ते। हेलो जी आप लोग जो प्रश्न है ना वो ग्रुप में लिख दीजिए, या तो फिर भैया जी मतलब ये मन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी मिल जाएगी, ललिता रिकॉर्डिंग इसी पर मिल जाएगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ग्रुप में मिल जाएगी सारी रिकॉर्डिंग। दश पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशक्तेन विनयन्ति शैवायमीशं शिवेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तसारनिति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्तु कृपा भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ शिवरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।
धन्यवाद धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।